Hey guys, I am Preksha Jain and I welcome you all to Enrich Minds YouTube channel. Let's have a brief look about this video series. So, जैसे आपको पता है कि NCERT काफी important होती है boards and competitive exams के लिए भी, तो हम इस video series में क्या करने वाले हैं, class 11th biology के सारे chapters को detailed explanation के साथ complete करने वाले हैं. Clear है ना? So, हम line by line पढ़ेंगे सारे chapters. चैप्टर के बीच में जितनी भी एक्टिविटीज या क्वेश्चंस आने वाले हैं उनको कंप्लीट करेंगे डायग्राम्स के एक्सप्लेनेशन के साथ, एंड एट द एंड जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन आंसर्स को भी हम कंप्लीट करेंगे इस वीडियो सीरीज में. क्लियर है ना? सो हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर के साथ. एंड याद रखो आप कि एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें बहुत ही अच्छे से पढ़ना है बिकॉज 11th क्लास बायोलॉजी नीट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं बायोलॉजी में वो मोस्टली 11th क्लास में वेटेज है. क्लियर है ना? सो फर्स्ट यूनिट जो है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, यहां से हम स्टार्ट करते हैं ये वीडियो सीरीज को. तो टॉपिक के बारे में अगर हम बात करें डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, तो आपको पता है कि पूरे सराउंडिंग में काफी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं. सो इसमें बहुत वैरायटी वैरायटी के ऑर्गेनिजम्स हमें देखने मिलते हैं, चाहे वो प्लांट्स हों या फिर एनिमल्स हो. सो ऑल टोटल मिला के क्या बनता है, बायोलॉजिकल वर्ल्ड बनता है. सो ये जो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड है ना, उसको हम फोर चैप्टर्स में कंप्लीट करेंगे, जिसमें फर्स्ट आता है लिविंग वर्ल्ड, सेकेंड वन इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, थर्ड वन इज प्लांट किंगडम, एंड फोर्थ चैप्टर इज एनिमल किंगडम, जहां पर हम जितना भी लिविंग वर्ल्ड है उसके बारे में एक एम्पल अमाउंट ऑफ हमें इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी. क्लियर है? तो हम फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, दैट इज द लिविंग वर्ल्ड. अब लिविंग वर्ल्ड से मतलब क्या हो जाता है कि हमारे सराउंडिंग में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मतलब जितनी भी सराउंडिंग्स हैं उसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और उनमें भी अमेजिंग डाइवर्सिटीज प्रेजेंट है लाइफ की. सो वो क्या क्या है एंड कैसे उनमें डिविजन हुआ हुआ है. सो हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड, कितना ज्यादा वंडरफुल है ये लिविंग वर्ल्ड, ये तो आप अपने सराउंडिंग में देख ही रहे हो. द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स इज अमेजिंग, एंड ये जो वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स है ना वो काफी ज्यादा अमेजिंग है. द एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिटेट्स इन विच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बी इट कोल्ड माउंटेन्स, डेसीडियस फॉरेस्ट, ओशियंस, फ्रेश वाटर लेक्स, डेजर्ट्स और हॉट स्प्रिंग्स, लीव अस स्पीचलेस. सो ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनवायरमेंट में ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, जितने भी टाइप है जैसे कि फॉरेस्ट हैं डिफरेंट टाइप्स के, ओशियंस, सी, लेक्स ऑफ डिफरेंट टाइप, फ्रेश वाटर लेक्स और सलाइन वाटर लेक्स, सब में ही डिफरेंट वेराइटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं. द ब्यूटी ऑफ अ गैलोपिंग हॉर्स, ऑफ द माइग्रेटिंग बर्ड्स, द वैली ऑफ फ्लावर्स और द अटैकिंग शार्क एवोक्स ए टू अ डीप सेंस ऑफ वंडर. सो आप अपने सराउंडिंग में काफ़ी सारी वंडरफुल जो चीज़ें होते हैं वो ऑब्जर्व करते होंगे, काफ़ी सारे ऐसे मेमोरीज आपके होंगे कि आप वेकेशन पे गए हो एंड एनवायरनमेंट एंड जो सराउंडिंग की ब्यूटी है उसे आप अमेज रह गए हो. द इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कोऑपरेशन अमंग मेंबर्स ऑफ अ पॉपुलेशन एंड अमंग पॉपुलेशंस ऑफ अ कम्युनिटी और इवन द मॉलिक्यूलर ट्रैफिक इनसाइड अ सेल मेक्स अस डीपली रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इंडीड इज लाइफ. सो अब सराउंडिंग में एनवायरनमेंट जो है इकोलॉजी इकोसिस्टम जो है उसमें काफ़ी सारे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कोऑपरेशन है, जैसे ऑर्गेनिजम्स हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ह्यूमन बींग्स से या फिर म्यूचुअल कोऑपरेशन के साथ रह रहे हैं जो डिफरेंट पॉपुलेशन है या फिर जो कम्युनिटीज हैं. मॉलिक्यूलर ट्रैफिक देन इनसाइडर सेल की, सेल के ऑर्गेनिज्म आपने अर्लियर पढ़े हुए होंगे 9th क्लास एंड 10th क्लास में, तो सेल में क्या है पूरा एक यूनिट है, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है, तो वो पूरे फंक्शंस परफॉर्म कर रही है. एंड कोई भी बॉडी जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो बहुत सारे सेल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं. सो एक टाइप से वहां पर भी मॉलिक्यूलर ट्रैफिक है. तो क्वेश्चन ये आता है कि लाइफ जो है वो है क्या. दिस क्वेश्चन हैज टू इम्प्लिक्ट क्वेश्चन विद इन इट. तो ये जो क्वेश्चन गिवन है ना यहाँ पर, वॉट इंडीड इज लाइफ, इसमें दो क्वेश्चन और हैं. क्या है? फर्स्ट वन इज अ टेक्निकल वन एंड सीक्स आंसर टू वॉट लिविंग इज एज अपोज टू द नॉन लिविंग. सो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है कि नॉन लिविंग है क्या अगर कंपेयर किया जाए नॉन लिविंग से, एंड द सेकेंड इज अ फिलोसॉफिकल वन एंड सीक्स आंसर टू वॉट द पर्पस ऑफ लाइफ इज. सो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये पूछ रहे हैं सिंपली कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं अगर हम उन्हें कंपेयर करें नॉन लिविंग से, बट सेकेंड क्वेश्चन फिलोसॉफिकल आ जाता है यहाँ पर कि लिविंग होने का पर्पस क्या है. दैट मीन्स कि कोई ऑर्गेनिज्म अगर लिविंग है सो वो क्यों लिविंग है.
एज साइंटिस्ट वी शैल नॉट अटेम्प्ट आंसरिंग द सेकेंड क्वेश्चन, बिकॉज हम यहाँ पर फिलोसफी की बातें नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर साइंटिफिक टर्म में बातें कर रहे हैं. तो साइंटिफिक टर्म में अगर हम बात करें तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन पर ज्यादा ध्यान देना है, दैट इज वी विल ट्राई टू रिफ्लेक्ट ऑन वॉट इज लिविंग. इसलिए हमारा मेन कंसर्न क्या है कि लिविंग क्या होते हैं, दैट मीन्स कि लिविंग एंड नॉन लिविंग का अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं, सो ऐसे कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके बेसिस पर हम बोल सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को कि वो लिविंग है. क्लियर है ना? सो ये तो हुआ बेसिक इंट्रोडक्शन. उसके बाद अब हम फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं, व्हाट इज लिविंग. अभी यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि एनसीईआरटी में ना हर एक सेंटेंस में एक नया क्वेश्चन अराइज हो सकता है, सो इसीलिए हम यहाँ पर लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं. तो आपको भी जहाँ पर भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझ आता है अपने आप से हाईलाइट करना है, एंड मैं तो आपको हाईलाइटिंग के साथ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो बताने वाली हूँ. तो ध्यान से आपको सुनना है एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को साइड बाय साइड नोट भी करते जाना है, बिकॉज यहाँ पर काफ़ी स्पेस भी गिवन है. क्लियर है ना? या फिर आप एक्स्ट्रा शीट्स रख के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं. फर्स्ट टॉपिक देखते हैं अब हम यहाँ पर, व्हाट इज लिविंग. When we try to define living, we conventionally look for distinctive characteristics exhibited by living organism. So, जब हम living की बात कर रहे होते हैं ना, तो उसका मतलब क्या होता है कि हम ऐसे characteristics find out करते हैं जो किसी एक living organism को distinctive way में represent करें. Growth, reproduction, ability to sense environment and mount a suitable response come to our mind immediately as unique features of living organism. So, जब हम living organism की बात कर रहे हैं ना, तो कौन से characteristics हमारे mind में सबसे पहले आते हैं कि जैसे अगर कोई भी organism grow कर रहा है, growth show कर रहा है, या फिर reproduction की process show करता है, सराउंडिंग का जो इन्वायरमेंट है उसको सेंस करने की एबिलिटी है, दैट मीन्स कि ब्यूटी ऑफ द नेचर, या फिर कोई भी साउंड्स होते हैं जो बर्ड्स एंड स्प्रिंग्स के जो साउंड हैं वो अगर समझ पा रहे हैं, सो ये जो सेंस है तो इससे ही क्या क्लासिफाई कर सकते हैं हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को, दैट द ऑर्गेनिज्म इज लिविंग. वन कैन एड अ फ्यू मोर फीचर लाइक मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लीकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज, मोर इंटरैक्ट एंड इमरजेंस टू दिस लिस्ट. सो सिर्फ ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड ये जो सेंस की एबिलिटी है, ये किसी ऑर्गेनिज्म को लिविंग के कैटेगरी में नहीं डिवाइड करते हैं. काफ़ी और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके बेसिस पर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग या फिर नॉन लिविंग बता सकते हैं. वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? मेटाबॉलिज्म, दैट मीन्स कि बहुत सारी बॉडी में ना फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो होती हैं वो इंक्लूड होती है मेटाबॉलिज्म में. सेल्फ रेप्लीकेट, बॉडी में जो सेल एंड डीएनए क्या डिवाइड हो रहे हैं एंड उससे ही क्या हो रही है ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन जो सेल का होता है, दैट इज सेल्फ रेप्लीकेशन. सेल्फ ऑर्गेनाइज, जिन भी ऑर्गेनिजम्स में लेबर सिस्टम का डिफरेंशिएशन होता है वहां पर क्या होता है ना, सेल्स एंड टिश्यूज जो हैं वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, तो वहां पर क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है. तो इस टाइप से ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज करते हैं. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच ऑफ दीज. एंड अब यहां पर हमने जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं ना उनको हम डिटेल में देखते हैं. फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा हमने ग्रोथ, उसके बारे में, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ना वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं. सो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक एक्सेप्शनल कैरेक्टरिस्टिक है, दैट मींस कि ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नहीं प्रेजेंट है. क्योंकि आपने कौन से नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रो करते हुए देखा है, सराउंडिंग में काफ़ी सारे नॉन लिविंग थिंग्स प्रेजेंट हैं. सो कोई भी चीज़ ग्रो नहीं करती है नॉन लिविंग जो है, सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही ग्रो करते हैं. सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो. इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ. सो ग्रोथ किस बेसिस पर हम बोलेंगे, अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में मास में इंक्रीज हो रहा है एज वेल एज उसके साइज में इंक्रीज हो रहा है एंड साथ साथ नंबर ऑफ इंडिविजुअल में इंक्रीज हो रहा है, सो उस कंडीशन में हम क्या बोल सकते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो कर रहा है. दैट मीन्स कि मास, बॉडी मास जो है, दैट मीन्स कि सेल का डिफरेंशिएशन भी होना है एंड साथ साथ पर्टिकुलर पॉपुलेशन जो है उसमें इंडिविजुअल्स की ग्रोथ जो है वो भी ग्रोथ में ही कंसिडर की जाती है. मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो बाय सेल डिवीजन. सो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कैसे ग्रो करते हैं, सेल डिवीजन के थ्रू ग्रो करते हैं. इन प्लांट्स दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर्स कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द लाइफ स्पैन. एंड जो प्लांट्स हैं ना उनमें ये सेल डिवीजन की प्रोसेस थ्रू आउट द लाइफ स्पैन कंटिन्यू रहती है एंड प्लांट्स जो है वो ग्रो करते रहते हैं. इन एनिमल्स दिस ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू अ सर्टेन एज, बट
एनिमल्स में क्या होता है ना कि एक सर्टेन एज तक ही ये जो ग्रोथ है वो हम देख सकते हैं. जैसे अगर आप ऑब्जर्व करो कि हाइट की ग्रोथ एक सर्टेन एज तक होती है, देन बॉडी पार्ट्स भी जो है, बोन्स है या फिर बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स, ऑर्गन्स जो है वो एक सर्टेन एज तक ही ग्रो करते हैं, उसके बाद क्या है, ग्रोथ स्टॉप हो जाती है. बट However, cell division occurs in certain tissues to replace lost cells. So growth एक type से तो यहाँ पर क्या हो रही है, stop हो रही है animals में, but cell division जो है वो काफी सारे cells and tissues में continue रहता है, जिससे कि जो lost cells हैं उनको replace करके new tissue जो है वो जगह ले लेता है. Unicellular organisms grow by cell division, and जो unicellular organisms हैं वो कैसे grow करते हैं, cell division के through ही grow करते हैं. One can easily observe this in vitro cultures by simply counting the number of cells under the microscope. And unicellular organisms की अगर growth को observe करना है तो वो कैसे कर सकते हैं, in vitro cultures में. That means कि laboratory में unicellular organism को suitable environment में grow करके and then microscope में उसका number count करके. That means कि अगर आप एक ऑर्गेनिज्म को एक कल्चर में डाल रहे हो सुटेबल मीडियम में, सो वो रेप्लिकेट होके या फिर उसमें सेल डिवीजन होके मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स में वो ग्रो कर जाएगा, पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी, एंड ये प्रोसेस जो रहेगी वो इन विट्रो कल्चर होगी बिकॉज वी आर डूइंग इट इन लैबोरेटरीज. In majority of higher animals and plants, growth and reproduction are mutually exclusive events. So, जो higher animals हैं, उनमें growth and even higher animals के साथ साथ plants में growth and reproduction की process जो है, वो mutual events होते हैं. That means कि growth के साथ कोई भी plant और animal एक certain time तक grow करता है and then उसके बाद reproduce करता है. One must remember that increase in body mass is considered as growth. तो ये पता होना बहुत जरूरी है कि growth हम कहाँ कब कब बोल रहे हैं, कि अगर body mass increase हो रहा है, that is growth. Non-living objects also grow if we take increase in body mass as a criteria for growth. So अगर हम body mass increase होने को ही बस growth का criteria consider कर लेंगे, so ऐसे तो जो non-living bodies हैं, non-living objects हैं, वो भी grow कर रहे हैं. Example के लिए mountains, boulders and sand mounds do grow. क्योंकि mountains में आप देखोगे कि sand deposit हो जाती है कई बार, या फिर जो sand mounds हैं वहाँ पर एक location से दूसरे location तक sand आ जाती है तो वो grow कर जाते हैं. However, this kind of growth exhibited by non-living object is by accumulation of material on the surface. So, ये growth कैसे हो रही है? किसी भी material के accumulation से हो रही है, ना कि cell division या cell differentiation से. That is why ये growth को हम growth में consider नहीं करते. In living organisms, growth is from inside. Living organisms में क्या होती है? Growth inside से होती है. That is why growth के जो है वो two types होते हैं. First one is intrinsic growth and second one is extrinsic growth. You can write it down also. Growth के two types कौन से हैं? Intrinsic and extrinsic. Intrinsic में क्या हो रहा है? कि living organism की body के inside से growth हो रही है. That is why it is a defining property of life. But non-living organisms में क्या हो रहा है, accumulation हो जाता है किसी भी material का, जिससे वो object grow करने लगती है. That means कि body के outside से growth हो रही है, so वो क्या हो गया, extrinsic growth. Growth therefore cannot be taken as a defining property of living organism. इसीलिए growth को हम क्या है, living organism की defining property में consider नहीं कर सकते. And इस point को आपको underline भी करना है, क्योंकि कई बार question यहाँ से क्या आ सकता है कि growth can be taken as a defining property of living organism, तो statement क्या हो जाएगा, false. क्यों? Because non-living organism भी किसी ना किसी way में growth show कर देते हैं, भले वो accumulation से हो या भले वो extrinsic growth type हो. Clear है ना? Conditions under which it can be observed in all living organisms have to be explained, and then we understand that it is a characteristics of living system. So इसके लिए क्या है ना, growth की भी जो conditions होती हैं उसमें हमें observe करना पड़ता है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, ग्रो तो कर रहा है बट उसमें कंडीशंस क्या हैं. एंड कोई नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर ग्रो किया है, साइज में इंक्रीज हुआ है, सो उसका रीजन क्या है. अ डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो. अब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो डेड होने के बाद तो ग्रो नहीं करता है.
क्लियर रहना है, क्योंकि बॉडी के जितनी भी फंक्शंस हैं वो पार्ट वर्क करना बंद कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर जो ग्रोथ का पैराग्राफ है उसमें ग्रोथ के दो टाइप्स पड़े, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। अब जो इंट्रिंसिक ग्रोथ है ना वो भी दो टाइप्स का होता है। कैसे होता है? एक तो हो गया क्या, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ, दैट मीन्स की अनलिमिटेड ग्रोथ। वो किसमें प्रेजेंट होता है? जिसमें कि कंटिन्यूअसली ग्रोथ जो है थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन होती रहती है, एंड इट जनरली अकर्स इन प्लांट। एंड सेकेंड टाइप होता है डिटर्मिनेट ग्रोथ या फिर लिमिटेड ग्रोथ। उसमें क्या होता है कि जो एनिमल्स हैं कुछ सर्टेन एज तक ही ग्रो करते हैं, एंड कुछ सर्टेन एज तक ही क्या है, सेल डिविजन हो रहा है। तो ग्रोथ क्या हुआ, एक सर्टेन टाइम के लिए हो रही है, बट जो सेल डिविजन है वो कुछ टिश्यूज में लाइफ टाइम तक होता है, एंड वो क्या करता है, जो ओल्ड लॉस्ट सेल्स होते हैं उनको रिप्लेस कर देता है। बट जो एनिमल्स एंड है वो किस में आते हैं, डिटर्मिनेट ग्रोथ की कैटेगरी में आते हैं, एंड प्लांट्स जो है वो इनडिटर्मिनेट ग्रोथ की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पर हमने ग्रोथ का क्लासिफिकेशन भी पढ़ लिया, दो टाइप्स होते हैं, फर्स्ट वन इज इंट्रिंसिक एंड सेकेंड वन इज एक्सट्रिंसिक। क्लियर है ना? एंड उसके बाद एक्सट्रिंसिक के भी हमने इंट्रिंसिक के दो टाइप्स पढ़े, लिमिटेड अनलिमिटेड और इनडिटर्मिनेट एंड डिटर्मिनेट, एंड साथ साथ उसका एग्जांपल भी। अब हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का और अलग दूसरा क्राइटेरिया है रिप्रोडक्शन पे, हम रिप्रोडक्शन के बेसिस पर हम बोल सकते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नहीं है, या फिर इसको एज अ कैरेक्टरिस्टिक रिप्रोडक्शन क्या है, वो हम इस पैराग्राफ में देखते हैं। रिप्रोडक्शन लाइक वाइज इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो रिप्रोडक्शन भी क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक कैरेक्टरिस्टिक है। अब रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, जो भी न्यू इंडिविजुअल या प्रोजेनी का प्रोडक्शन हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन रिफर टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी पजेजिंग फीचर्स मोर और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स। सो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में क्या है कि रिप्रोडक्शन से मतलब क्या हो रहा है कि जो न्यू प्रोजेनी का फॉर्मेशन हो रहा है ना उसमें कुछ मोर और लेस सिमिलर फीचर्स होते हैं पेरेंट्स के थ्रू के कंपेरिजन में। इनवेरिएबली एंड इम्प्लिक्टिकली वी रिफर टू सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, एंड हम मेनली यहाँ पर बात किसके बारे में करते हैं, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो कि एनिमल्स में, हायर एनिमल्स एंड सम प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय सेक्शुअल एसेक्शुअल मीन्स ऑल्सो, काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स में एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी प्रेजेंट होता है। फंजाई मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड ईजिली ड्यू टू मिलियंस ऑफ एसेक्शुअल स्पोर्स दे प्रोड्यूस। फंजाई कैसे ग्रो कर रही है, सो फंजाई प्रोड्यूस करती है एसेक्सुअल स्पोर्स एंड उसको स्प्रेड कर देती है, जिससे कि फंजाई जो है मल्टीपल टाइम्स ग्रो हो जाती है। इन लोअर ऑर्गेनिजम्स लाइक ईस्ट एंड हाइड्रा वी ऑब्जर्व बडिंग, एंड लोअर ऑर्गेनिजम्स जो हैं जैसे कि ईस्ट है एंड हाइड्रा है, इनमें हम क्या देखते हैं, बडिंग की प्रोसेस ऑब्जर्व की जाती है। बडिंग की प्रोसेस में क्या होता है ना, बॉडी से एक आउटग्रोथ निकलती है दैट इज बड, एंड आफ्टर ग्रोइंग फॉर अ सर्टेन पीरियड वो बॉडी से फिर सेपरेट हो जाती है। इन प्लेनेरिया फ्लैटवर्म वी ऑब्जर्व ट्रू रीजनरेशन, दैट इज अ फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिजम्स रीजनरेट द लॉस्ट पार्ट ऑफ द lost part of its body and becomes a new organisms. So, जो प्लेनेरिया है या फिर जो दूसरे फ्लैटवर्म्स होते हैं उनमें क्या होता है कि बॉडी का कोई भी एक फ्रेगमेंटेड पार्ट है वो भी पूरे ऑर्गेनिज्म में ग्रो कर जाता है, एंड उसको बोलते हैं रीजनरेशन। द फंजाई द फिलामेंटस एल्गी द प्रोटोनीमा ऑफ मॉसेस ऑल इजीली मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन। इसके अलावा रीजनरेशन के अलावा एक और टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो कि होता है फ्रेगमेंटेशन। उसमें क्या होता है ना कि बॉडी की जो फ्रेगमेंट है उससे न्यू ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो रहा है, एंड रीजनरेशन में क्या हो रहा है ना कि बॉडी का जैसे एक पार्ट कोई सेपरेट हो गया है सो वो पार्ट फिर से रीजनरेट हो जाता है, डबल से ग्रो कर जाता है। एंड फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है ना, फ्रेगमेंट के थ्रू एक न्यू ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो रहा है। व्हेन इट कम्स टू यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, यूनिसेल्युलर एल्गी और अमीबा, रिप्रोडक्शन इज साइनोनिमस विद ग्रोथ, that is increase in number of cell. So जैसे कि unicellular algae है या फिर bacteria और amoeba हैं, वहाँ पर growth किससे synchronous है, reproduction से। that means कि cell का number increase हो रहा है उससे growth भी show कर रहे हैं, and वो कैसे possible हो रहा है, because of reproduction, क्योंकि cell का number unicellular organism है simply, तो उनमें cell का number कब increase होगा, जब एक नया cell का formation होगा, and नया cell का formation, नया progeny का formation किस में होता है, reproduction में होता है।
सो यू कैन हाईलाइट दिस पॉइंट ऑल्सो कि अमीबा में क्या है, रिप्रोडक्शन जो है ग्रोथ के से सिंक्रोनस है या फिर सिनोनिमस है. वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड ग्रोथ एज इक्विवेलेंट टू इंक्रीज इन सेल नंबर और मास. एंड ग्रोथ को हमने कैसे डिफाइन कर दिया कि जो सेल नंबर या फिर मास में इंक्रीज हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज ग्रोथ. Hence, we notice that in single-celled organisms, we are not very clear about the usage of these two terms, growth and reproduction. So, हम single-cell organisms है ना, उनमें सिर्फ growth and reproduction की basis पर growth को define करें या नहीं करें, या फिर हम growth and reproduction के characteristic के basis पर किसी organism को living बोले या नहीं बोले, ये clear नहीं है अभी भी. Further, there are many organisms which do not reproduce. कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते, जो कि क्या है, म्यूल्स, स्टराइल वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स एक्सेट्रा. क्योंकि काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो या तो ग्रोथ नहीं शो कर रहे हैं, लिमिटेड टाइम तक ग्रोथ शो करते हैं, स्टिल वो लिविंग है. एंड कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो ग्रोथ शो कर रहे हैं, स्टिल दे आर नॉन लिविंग. एंड साथ साथ रिप्रोडक्शन में भी ऐसा है कि कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ की प्रोसेस तो शो कर रहे हैं बट दे आर नॉट शोइंग द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. सो हम रिप्रोडक्शन या ग्रोथ को अल्टीमेट कैरेक्टरिस्टिक नहीं बोल सकते किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग बोलने के लिए. हैंस रिप्रोडक्शन ऑल्सो कैन नॉट be an all-inclusive defining characteristics of living organisms. इसीलिए reproduction जो है उसको जितने भी organism का अगर हम defining characteristic बोल रहे हैं तो यहाँ पर हम नहीं बोल सकते, because confusion निकल गया है. क्योंकि कुछ जो unicellular organism है उनमें growth and reproduction synonymous है, then कुछ living organisms ऐसे हैं जो कि reproduction की process नहीं show करते. That is why reproduction is also not a defining characteristic of living organism. Of course, no non-living object is capable of reproducing or replicating by itself. अभी ये बहुत clear है कि जो non-living organism है वो replicate नहीं करते या reproduce नहीं करते हैं, but काफी सारे living organism भी ये process नहीं show कर रहे हैं. That is why we cannot say it is a defining characteristic. Clear हुआ? तो हमने living के दो characteristic देखे, but दोनों ही defining नहीं है. They are the characteristic of living organism, but only on the basis of these two characteristics, we cannot say any organism is living or non-living. So, अब हम third characteristic देख लेते हैं क्या है. Another characteristic of life is metabolism. तो third one जो है वो है metabolism. अब metabolism क्या होता है कि body में जितनी भी chemical reactions हो रही हैं, जो उनका sum total है simply, वो क्या है, metabolism है. All living organisms are made up of chemicals. So, जितने भी living organism हैं, वो organic compound और chemicals से मिलके ही बने हुए हैं. These chemicals, small and big, belonging to various classes, sizes, functions, etc., are constantly being made and changed into some other biomolecules. So, ये जो chemicals होते हैं, चाहे वो small हो, big हो, and उसके अलावा किसी भी class को belong कर रहे हो, जो हमने nutrients पढ़े होंगे अपने 6th and 7th class में, जो उसमें carbohydrates, fats, proteins, ये सारे जो biomolecules हैं ना, different classes को belong करते हैं, different functions perform कर रहे हैं, but कोई भी human being या कोई भी living organism है, वो इन्हीं सारे biomolecules से मिलकर बना हुआ है. These conversions are chemical reactions or metabolic reactions. And ये जो conversions होते हैं ना, chemical form है या फिर organic compound से उनका interconversion जो हो रहा है, उसमें क्या involved होता है, chemical reaction और metabolic reactions involved होते हैं. There are thousands of metabolic reactions occurring simultaneously inside all living organisms. And किसी भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर बात की जाए ना, तो उसके अंदर बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस एक ही टाइम पर चल रही होती हैं, बी दे यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर. अब ये जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि चाहे वो लिविंग यूनिसेल्युलर हो या मल्टीसेल्युलर हो, उसमें क्या है, बहुत सारी जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस एट अ टाइम हो रही होती हैं. All plants, animals, fungi and microbes exhibit metabolism. So, जितने भी plants, animals, fungi हैं या फिर microorganisms हैं, उन सब में ही क्या है, metabolism की process हो रही है. क्योंकि even जो smallest cell होती है ना, functional and structural unit, उसमें भी ये metabolism की process होती है. The sum total of all the chemical reactions occurring in our body is metabolism. So, यहाँ पर metabolism की definition मिल जाती है.
अंडरलाइन दिस पॉइंट कि जितनी भी सम टोटल है बॉडी में केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं वो क्या होता है मेटाबॉलिज्म है. क्लियर है ना. नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म. तो जितने भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं ना उनमें मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस नहीं होती. मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम. सो मेटाबॉलिक रिएक्शन को हम किसी सेल फ्री सिस्टम में भी डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं. एंड आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्ड इन अ टेस्ट ट्यूब इज नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग. सो क्या हुआ, जो एक आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन है कि अगर हम टेस्ट ट्यूब में कोई रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं केमिकल कंपाउंड्स या बायोमोलिक्यूल्स के साथ, सो वो तो ना लिविंग कंडीशन में है ना ही नॉन लिविंग कंडीशन में है. हैंस वाइल मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स बट श्योरली लिविंग रिएक्शंस. बट क्या हो गया ना अभी यहाँ पर कि मेटाबॉलिज्म जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक तो है क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब में ये प्रोसेस प्रेजेंट है. बट जो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं ना अगर वो इनविट्रो परफॉर्म की जा रही हैं तो वो नॉन लिविंग नहीं हो जाएंगी, वो क्या रहेंगी लिविंग रिएक्शंस रहेंगी. दे आर नॉट आइदर लिविंग और नॉन लिविंग बट दे आर श्योरली लिविंग रिएक्शंस. सो हेंस वी कैन से व्हाट सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म. तो जो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है एंड सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन होने की वजह से भी क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो एंड डेवलप करते हैं. सो वहाँ नेक्स्ट पैराग्राफ में हम देखेंगे कि कैसे हम बोल सकते हैं कि जो सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है वो लाइफ फॉर्म का एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है एंड साथ साथ मेटाबॉलिज्म भी क्या है डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक में काउंट होगा. Perhaps the most obvious and technically complicated feature of all living organism is this ability to sense their surrounding or environment and respond to these environmental stimuli which could be physical, chemical or biological. So, जो अगर हम बोले तो ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर्स जो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के जैसे कि सराउंडिंग इन्वायरमेंट के फीचर्स को सेंस करना, जो डिफरेंट सेंस होते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट जो सराउंडिंग एंड इन्वायरमेंट को सेंस करना एंड उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करना. जैसे आपने क्लास टेंथ में रिफ्लेक्स एक्शन अगर आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि हमने वहाँ पर देखा था कि कोई भी हॉट या कोल्ड चीज़ आप टच करते हो सो जो मोटर नर्व्स होते हैं एंड सेंसरी नर्व्स होते हैं वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं क्या स्टिमुलाई को ब्रेन तक पहुंचाते हैं मैसेज को एंड फिर इंफॉर्मेशन वापस आती है जिसकी वजह से आप अपना हैंड रिमूव करते हो. दैट मींस कि सराउंडिंग में जो भी चीजें हो रही हैं उसको ऑब्जर्व करना है सेंस करना है साथ साथ उसके अगेंस्ट क्या करना है स्टिमुलाई के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड भी करना है. एंड स्टिमुलाई कुछ भी हो सकती है चाहे वो फिजिकल हो केमिकल हो या फिर बायोलॉजिकल हो. वी सेंस अवर एनवायरनमेंट थ्रू अवर सेंस ऑर्गन्स. एंड हम एनवायरनमेंट को कैसे सेंस कर पाते हैं हमारी सेंस ऑर्गन की हेल्प से. प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक लाइट वाटर टेम्परेचर अदर ऑर्गेनिज्म पॉल्यूडेंट्स एक्सेट्रा. तो जो प्लांट्स हैं ना वो सारे ही फैक्टर्स जो उसके सराउंडिंग में प्रेजेंट है जैसे कि लाइट है या फिर वाटर और टेम्परेचर हो दूसरे कोई ऑर्गेनिजम्स हो या फिर पॉल्यूडेंट्स हो सबके रिस्पॉन्स में क्या देते हैं स्टिमुलाई. ये सारी क्या हो गई स्टिमुलाई एंड इनके एक्शन के अगेंस्ट एक रिएक्शन शो करते हैं. ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल क्यूज. सो जितने भी ऑर्गेनिज्म हो चाहे वो हो प्रोकैरियोट एंड या वो हो यूकैरियोट. सो प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट आपने पढ़ा तो हुआ है अभी तक याद है या नहीं है. प्रोकैरियोट दैट मींस कि जो यूनिसेल्यूलर तो हैं साथ साथ प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें कि वेल डिफाइंड सेल्यूलर ऑर्गेनल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं. सेल मेम्ब्रेन जो है वो वेल डेवलप नहीं होती है एंड इवन काफ़ी बार क्या होता है न्यूक्लियस भी वेल डिफाइंड नहीं होती. बट यूकैरियोट्स में क्या है ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं. दैट मींस कि सेल जो है वो वेल डेवलप्ड होती है एंड उसके अलावा क्या है न्यूक्लियस एंड जो ऑर्गेनल्स हैं वो भी सब क्या है प्रेजेंट होते हैं. फोटो पीरियड अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो फोटो पीरियड में क्या होता है कि वो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को अफेक्ट करता है सीजनल ब्रीडर्स हो प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स हो सब में ही जो लाइट के एक्सपोजर है वो अफेक्ट करता है रिप्रोडक्शन की प्रोसेस. ऑल ऑर्गेनिजम्स हैंडल केमिकल्स एंटरिंग देअर बॉडीज. तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ना
वो उनकी बॉडी में जो भी केमिकल एंटर करते हैं उसको हैंडल कर सकते हैं, बिकॉज बॉडी में ना उसके अगेंस्ट कुछ रिस्पॉन्सेज भी प्रेजेंट होते हैं. ऑल ऑर्गेनिजम्स देयरफॉर आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग्स, इसलिए जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना वो अपने सराउंडिंग के बारे में काफ़ी ज़्यादा अवेयर हैं. दैट मीन्स कि जो एनवायरमेंट है उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स दे रहे हैं. ह्यूमन बींग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ. सो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सराउंडिंग के बारे में तो अवेयर हैं, बट ह्यूमन्स ही सिर्फ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि सराउंडिंग के साथ साथ अपने बारे में भी कॉन्शियस हैं. दैट मीन्स उस प्रॉपर्टी को क्या बोल रहे हैं, दैट इज दे हैज सेल्फ कॉन्शियसनेस, कि अगर अपने बारे में अवेयर हैं. सो जैसे ह्यूमन बींग्स आप और हमें, तो हमारे बारे में क्या है, सेल्फ कॉन्शियस है. कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम्स द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इसीलिए कॉन्शियसनेस जो है वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, बन जाती है. ठीक है, सो यहाँ पर हम जो कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं उसमें हमने देख लिया ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन, एंड देन यहाँ पर आता है आप क्या, कॉन्शियसनेस. ये सारे क्या हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. When it comes to human being, it is all the more difficult to define the living state. अब अगर human beings की बात आ जाती है ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा difficult हो जाता है living state को properly define करना. Because we observe patients lying in coma in hospitals virtually supported by machines which replace heart and lungs. So कई बार आपने observe किया होगा ना कि जो coma में patient चले जाते हैं वो वर्चुअल मशीन होती है, वेंटिलेटर जो होता है उसके थ्रू सपोर्ट में रहते हैं. दैट मीन्स कि उनको आर्टिफिशियली ऑक्सीजन प्रोवाइड की जा रही है, एंड सिंपली क्या है, बॉडी डेड है एंड माइंड भी क्या है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है. सो द पेशेंट इज अदरवाइज ब्रेन डेड. तो पेशेंट जो है वो ब्रेन डेड होता है, बट स्टिल उसके कुछ प्रोसेस जो है बॉडी में वो वर्क कर रहे हैं. द पेशेंट हैज नो सेल्फ कॉन्शियसनेस. तो जो पेशेंट रहता है ना उसमें कुछ भी सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं बचती. आर सच पेशेंट्स हु नेवर कम बैक टू नॉर्मल लाइफ, लिविंग और नॉन लिविंग. सो ऐसे जो पेशेंट्स हैं जो नॉर्मल लाइफ में वापस से नहीं आते, उनको हम कौन से क्राइटेरिया में डालेंगे, लिविंग नॉन लिविंग, किस में डाले जाएगा. सो इन हायर क्लासेस यू विल कम टू नो दैट ऑल लिविंग फिनोमिनन आर ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरैक्शंस. तो जितने भी लिविंग फिनोमिनन होते हैं ना वो किसकी वजह से हो रहे हैं, कुछ इंटरैक्शंस की वजह से हैं, जो हम इस चैप्टर में और पढ़ने वाले हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यूज आर नॉट प्रेजेंट इन द कंस्टिट्यूएंट सेल बट अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरैक्शन अमंग द कंस्टिट्यूएंट सेल. तो जो टिश्यूज की प्रॉपर्टी होती है ना वो हर एक सेल में नहीं प्रेजेंट होती है, बट क्यों, कैसे अराइज होती है वो प्रॉपर्टीज, कि जब सेल मिलके एक ग्रुप बनाता है तब जाके वो टिश्यूज की जो प्रॉपर्टीज है वो अराइज होती हैं. एक एक सिंगल सेल में वो नहीं प्रेजेंट होगी. जैसे क्या हुआ कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया की सेल्स कंबाइन हुए, सेल्स ने मिलकर क्या बनाया, टिश्यूज. टिश्यूज कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन. देन उससे बनता है ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम से बनता है क्या, ऑर्गेनाइजेशन. तो किसी भी टिश्यू की जो प्रॉपर्टी है वो क्या होगी, एक कंस्टिट्यूएंट सेल में नहीं होती है, वो सेल के इंटरैक्शन से ही अराइज होती है. सिमिलरली प्रॉपर्टीज ऑफ सेल्युलर ऑर्गेनल्स आर नॉट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल ऑफ द ऑर्गेनल्स बट अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरैक्शन अमंग द मॉलिक्यूलर कॉम्पोनेंट्स कंप्राइजिंग द ऑर्गेनल्स. सो ऐसे ही जो सेल्युलर ऑर्गेनल्स होते हैं ना, उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो मॉलिक्यूलर कंस्टिट्यूएंट में नहीं प्रेजेंट होंगी ऑर्गेनल्स के, बट कैसे अराइज होंगी, जब मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स का आपस में इंटरैक्शंस होगा, एंड जब ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होंगी तब इंटरैक्शन हो रहा है, उससे ही अराइज होती हैं सेल्युलर ऑर्गेनल्स की प्रॉपर्टी. दीज इंटरैक्शंस रिजल्ट इन इमर्जेंट प्रॉपर्टीज एट अ हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सो ये जो इंटरैक्शंस हैं ये क्या रिजल्ट करते हैं, जो इमर्जेंट प्रॉपर्टी होती है ना हायर लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन में, सो वहाँ पे ये इंटरेक्शन का मेजर रोल होता है. एंड ये इंटरेक्शन फिर रिजल्ट किस में करते हैं, कि जो कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज हैं वो हाईलाइट होती हैं. दिस फिनोमिनन इज ट्रू इन द हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी एट ऑल लेवल्स. एंड ये जो फिनोमिनन होता है ना, ये कहाँ पर ट्रू है, सो ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की है जो हम इस चैप्टर में फर्दर पढ़ेंगे, जहाँ पे कि किंगडम फाइलम का हमें आइडिया मिलेगा.
सो वहाँ पर जब ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की होती है ना, जब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है हर एक लेवल पे, सो ये प्रोसेस, ये जो इंटरैक्शन है, ये वहाँ पर हमें और देखने को मिलते हैं. देयरफोर वी कैन से दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम्स केपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई. इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग है. दैट मीन्स कि उनमें जो डीएनए है उसका रेप्लिकेशन हो रहा है, उसकी कॉपी का फॉर्मेशन हो रहा है. इवॉल्विंग है कि सराउंडिंग एनवायरनमेंट को सेंस करके जो चेंजेस हैं उनमें को अडाप्ट कर लेते हैं, जिससे कि इवोल्यूशन की प्रोसेस है. एंड सेल्फ रेगुलेटिंग है बिकॉज कॉन्शियसनेस भी प्रेजेंट है, दैट इज वाई सेल्फ रेगुलेटिंग है. साथ साथ इंटरैक्टिव सिस्टम उनमें प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई के अगेंस्ट भी रिस्पॉन्ड करते हैं. बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. सो ये तो बहुत कॉमन है, आपने काफ़ी बार जब अर्लियर बायोलॉजी के चैप्टर्स पढ़े होंगे या फिर नहीं भी पढ़े हैं. सो बहुत सिंपल सी चीज़ है कि अर्थ पे जितना भी लाइफ है या उसकी जो स्टोरी है उसको हम शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, उसका स्टोरी का टाइटल क्या हो जाएगा, बायोलॉजी. कि बायोलॉजी के अंदर हम सारी स्टोरी पढ़ते हैं, जो भी अर्थ पे लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट कर रहे हैं ना वो वहाँ पर इंक्लूडेड है. बायोलॉजी इज अ स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ. सो लाइफ के साथ साथ जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इवोल्यूशन हो रहा है उसकी भी स्टोरी क्या है, बायोलॉजी. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स present, past and future are linked to one another by the sharing of common genetic material but to varying degrees. So, जितने भी living organisms present है ना, चाहे वो at present हो, past जो चला गया वहाँ पर थे, या फिर future में आने वाले हैं, वो आपस में किसी ना किसी तरीके से linked हैं. and वो linking किसकी वजह से है, genetic material की वजह से है. and उसमें क्या है ना, बहुत ज़्यादा variations और present हो सकते हैं. कि ये जो जेनेटिक मटेरियल है, ह्यूमन बींग्स के एंसेस्टर्स थे एंड देन फ्यूचर जनरेशन में कुछ और दूसरे ऑर्गेनिजम्स जो आएंगे, सो वहाँ पर क्या है, कुछ इंटरलिंकिंग तो है बट उसमें भी क्या है ना, बहुत सारे वेरिएशंस प्रेजेंट हैं. एंड हमने ये जो हेरिडिटी एंड वेरिएशन का टॉपिक पढ़ते हैं ना, वहाँ पर ये और क्लियर हो जाता है कि जब वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ये जीन्स का ट्रांसफर होता है, सो वहाँ पर वेरिएशन होते हैं. एंड अब आप सोचो जब बहुत सारे मल्टीपल जनरेशन हो जाएंगे तो कितने ज़्यादा वेरिएशंस आ जाते हैं. जैसे एप्स एंड जो गोरिल्लास थे उनसे फिर क्या है, जो ह्यूमन बींग्स जैसे दिखते हैं, मंकीज एंड ह्यूमन बींग्स में क्या है, काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज मिलती हैं. बिकॉज क्या हुआ, हमारे एंसेस्टर्स उनसे सिमिलैरिटी थी, दैट इज़ वाई वहाँ पर इतने सारे जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मैच कर जाते हैं. क्लियर हुआ ना. अभी नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, जिसके पहले हमने क्या क्या क्लियर कर लिया कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक थे उसके बारे में हमने सब पढ़ लिया. क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक थे हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म के पढ़े, सबसे फर्स्ट तो था ग्रोथ, कि ग्रोथ अगर है तो ऑर्गेनिज्म लिविंग है. बट उसको डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं बोला, बिकॉज कुछ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी ग्रोथ देखने को मिल रही थी. उसके बाद रिप्रोडक्शन है, तो रिप्रोडक्शन में भी क्या हुआ कि कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं शो करते हैं. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक हमने देखा मेटाबॉलिज्म, जो कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है. देन उसके बाद आता है सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफाइनिंग कैरेक्टर्स हम बोल सकते हैं. अब जो नेक्स्ट टॉपिक को उसको स्टार्ट करते हैं हम. If you look around, you will see a large variety of organism, be in potted plants, insects, birds, your pet or other animals in plants. So, अगर आप अपनी surrounding में जाके देखोगे ना, तो काफ़ी सारे variety के आपको living organism देखने को मिलते हैं. ये हम chapter के starting से सुनते आ रहे हैं. अब वो variety of organism, चाहे जो घर पे हम पॉटेड प्लांट्स होते हैं वहाँ पर देखें, या इंसेक्ट, बर्ड, या फिर फॉरेस्ट में जाके भी देखें, तो एनिमल प्लांट्स में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी जो है वो देखने को मिलती है. देयर आर ऑल्सो सेवरल ऑर्गेनिज्म दैट यू कैन नॉट सी विद योर नेकेड आई, बट दे आर ऑल अराउंड यू. सो हमारे सराउंडिंग में काफ़ी सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी प्रेजेंट हैं जो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते. दैट मीन्स उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट है. सो यहाँ पर ऐसा मतलब नहीं हो जाता कि अगर आपको दिख नहीं रहा है तो वो चीज़ प्रेजेंट ही नहीं है. दे आर प्रेजेंट, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, वो हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट है, बट वी कैन नॉट सी देम विद अवर नेकेड आई. If you were to increase the area that you make observation, in, the range and variety of organisms that you see would increase.
तो अगर आप अपना एरिया इंक्रीज कर दोगे ना, जहाँ पर आप ये सारी चीजें ऑब्जर्व कर रहे हो, ऑब्जर्वेशन का एरिया इंक्रीज करोगे, सो जो ऑर्गेनिज्म की रेंज और वैरायटी है ना, वो भी इंक्रीज हो जाएगी. क्योंकि डाइवर्सिटी क्या होगा ना कि एटमॉस्फेयर चेंज होगा, वहाँ पर जो लैंड है, वाटर एंड टेम्परेचर चेंज होता है, उससे ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी भी क्या हो रही है और वैरायटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी. Obviously, if you were to visit a dense forest, you would probably see a much greater number and kinds of living organism in it. So, अगर आप क्या है किसी डेंस फॉरेस्ट में जाके विजिट करने के लिए जाओगे, जो आपको वहाँ पर बहुत सारे वैरायटी के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं. Each different kind of plant, animal or organism that you see represent a species. So, जितने भी आप plant, animal या फिर organism को देख रहे हो ना, उनमें कुछ different characteristics होते हैं या फिर उनकी morphology जो है वो different होती है. So, वो क्या एक species को represent करते हैं. Species क्या है ये हमें इस further chapter में further पढ़ने को मिलेगा. The number of species that are known and described range between 1.7 to 1.8 million. So, the number of species that present earth pe hai, wo around 1.7 to 1.8 million hai. एंड इससे ही पता चल जाता है ये जो स्पीशीज में डाइवर्सिटी है काफ़ी ज़्यादा है. एंड दिस रिफर्स टू बायोडाइवर्सिटी और नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ. एंड यही क्या रिफर करता है कि जो बायोडाइवर्सिटी है या फिर जो नंबर है ना ऑर्गेनिजम्स का एंड टाइप्स है जो ऑर्गेनिज्म के वो अर्थ पे प्रेजेंट है वो बहुत वेराइटी में है. एंड दैट इज़ वाई उसको क्या बोल दिया हमने बायोडाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी जो समझ आया कि इतने सारे जो वेरिएशन दिख रहे हैं ऑर्गेनिजम्स में. एंड बायो वर्ड क्यों यूज़ किया बिकॉज जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं. We should remember here that as we explore new areas and even old ones, new organisms are continuously being identified. So, जैसे जैसे आप ना new areas explore करोगे या फिर ओल्ड वन के साथ न्यू एरियाज में जो आपने ऑब्जर्व किया उनको कंपेयर करोगे, सो आपको क्या है ना नए नए ऑर्गेनिजम्स आइडेंटिफाई करने को मिलते जाएंगे. एज स्टेटेड अर्लियर देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड. सो हमने देखा है कि अर्थ वर्ल्ड में बहुत सारे वैरायटी के एंड मिलियंस, बहुत सारा मतलब कितना हो जाता है, मिलियंस हो जाता है, ठीक है ना. ये तो आप बोलो कि हर जगह बोलो बहुत सारा ऐसा कोई आंसर होता ही नहीं है. तो वो क्या है, मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स जो हैं वो इस वर्ल्ड में प्रेजेंट हैं. वी नो द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अवर ओन एरिया बाय देयर लोकल नेम्स. सो हमारे एरिया में अब जैसे कोई एनिमल प्रेजेंट है हम उसको क्या अपने लोकल नेम से, जैसे घर पर नहीं होता कि कोई भी आपको अपने पेट नेम से बुलाता है, वैसे भी किसी भी एक एरिया में अगर आप कंट्री देखो, इवन कंट्री तो बहुत दूर की बात हो जाती है, हम छोटा छोटा सा अगर बात करें टाउन की, तो लैंग्वेज पे डिपेंडेंट प्लांट एंड एनिमल्स के नेम रख दिए जाते हैं. दीज लोकल नेम्स वुड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इवन विद इन अ कंट्री. सो ये जो लोकल नेम होंगे ना, तो प्लेस टू प्लेस जब वेरी कर रहे हैं, तो अगर हम कंट्री में भी देखें तो इतने डिफरेंट नेम रहेंगे किसी भी एक पर्टिकुलर प्लांट के या एनिमल के. सो प्रोबेबली यू वुड रिकोगनाइज द कन्फ्यूजन that would be created if we did not find ways and means to talk to each other to refer to organism we are talking about. So, क्या होगा ना, बहुत ज़्यादा confusion create होगी कि किसी एक organism को अगर आपको recognize करना है, so mention किसी और language में name है, आपको कोई और name पता है, so ऐसे तो identify करने में बहुत problem हो जाएगी किसी भी plant को या फिर animal को. So, इसके लिए solution क्या रहेगा, इसके लिए solution जो है वो आगे हम पढ़ते हैं. Hence, there is a need to standardize the naming of living organisms such that a particular organism is known by the name, same name all over the world. So, इसके लिए क्या किया जाता है? जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ना उनकी नेमिंग एक स्टैंडर्डाइज मैनर में की जाती है, जैसे कि ऑल ओवर द वर्ल्ड उनको एक नाम से ही पढ़ा जा सके एंड आइडेंटिफाई किया जा सके. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर. सो ये जो प्रोसेस है ना जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक स्टैंडर्ड नेम दिया जाता है जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड आइडेंटिफाइबल होगा, ये जो प्रोसेस है वो होती है नॉमेनक्लेचर. ऑब्वियसली नॉमेनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब करेक्टली एंड व्हेन वी नो टू व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच टू. तो ये नॉमेनक्लेचर की प्रोसेस कब पॉसिबल है, दैट मीन्स कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को नेम कब दे सकते हैं, जब आपको उस ऑर्गेनिज्म की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो प्रॉपरली डिस्क्राइब्ड हो एंड जब वो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो उसको जो भी नेम अटैच्ड है उसके साथ वो तभी आइडेंटिफाइबल होगा. सो दिस इज आइडेंटिफिकेशन कि कैसे हो रहा है कि जब नेम उस ऑर्गेनिज्म के साथ अटैच्ड होगा ना तब हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे. In order to facilitate the study, the number of scientists have established procedures to assign a scientific name to each organisms.
तो ये जो स्टडी है इसको फर्दर के मतलब प्रोसीड करने के लिए क्या किया ना, जो काफी सारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने कुछ प्रोसीजर्स फॉलो किए एंड वहां पर फिर असाइन किए साइंटिफिक नेम हर एक ऑर्गेनिज्म को. दिस इज एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड. एंड ये जो साइंटिफिक नेम्स रखे ना, ये थ्रू आउट द वर्ल्ड जितने भी बायोलॉजिस्ट थे उन सबके लिए ही एक्सेप्टेबल रहे. फॉर प्लांट्स साइंटिफिक नेम आर बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया विच आर प्रोवाइडेड इन इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नोमेनक्लेचर. तो अभी जो प्लांट्स की स्टडी है वो क्या होती है, बॉटनी. एंड एनिमल्स की स्टडी क्या होती है, जूलॉजी. तो जितने भी हम प्लांट से रिलेटेड चैप्टर पढ़ेंगे वो चैप्टर्स किस में इंक्लूड हो जाएंगे, बॉटनी में. एंड जो एनिमल से रिलेटेड पढ़ेंगे वो जूलॉजी में. तो इसीलिए यहाँ पर भी डिफ्रेंसिएशन है कि जो प्लांट्स है ना उनके साइंटिफिक नेम जो रख रहे हैं उसके लिए जो भी प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया बेस्ड है वो कहाँ पर एग्री किया जाता है कि भाई किसी भी प्लांट को एक साइंटिफिक नेम देना है. तो ऐसा नहीं है कि रैंडमली कोई भी जो है कोई भी इंडिविजुअल पर्सन चलते चलते ऐसे नाम रख देगा कि नहीं इस प्लांट का आज से साइंटिफिक नेम ये हो गया है. इसके लिए एक यूनियन है जिसका नेम है क्या, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नोमेनक्लेचर, जहाँ पर सारे ये जो साइंटिफिक नेम होते हैं ना उसको अप्रूवल मिलता है. यू मे आस्क हाउ आर एनिमल्स नेम्ड. सो अब आपके माइंड में क्वेश्चन क्या आएगा कि एनिमल्स को नेम कैसे रखते हैं. सो एनिमल टेक्सोनोमिस्ट हैव इवॉल्व इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर ICZN. तो यहाँ पर आप ये पॉइंट्स अंडरलाइन कर लो कि इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, क्योंकि यहाँ पर ये जो एब्रीविएशन है ना इनसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि वॉट इज ICBN. सो ICBN इज इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नोमेनक्लेचर एंड वॉट इज ICZN इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर. क्लियर रहेगा ना यहाँ पर. सो ये दोनों तो इंपॉर्टेंट है, साथ साथ की जो प्लांट्स के साइंटिफिक नेम है वो रखते हैं ICBN से एंड जो एनिमल्स के नेम है वो रखाते हैं कहाँ से, ICZN से. सो फर्दर देखते हैं अब हम क्या है यहाँ पे. तो साइंटिफिक नेम्स एंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम. एंड साइंटिफिक नेम रखने से ये तो एक श्योरिटी मिल जाती है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का ना सिर्फ एक ही नेम होगा. ऐसा नहीं होगा जैसे हमारे यहाँ कहीं होता है ना कि किसी भी एक स्टूडेंट को आप मल्टीपल नेम से बुलाते रहते हो, तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता है. जैसे स्कूल में है एक ही नेम से आइडेंटिफिकेशन होगा और जो आपका एनरोलमेंट होता है स्कूल में जब भी, तो एक ही यूनिवर्सल नेम होता है जो आपका फ्रॉम द बर्थ सर्टिफिकेट टू 10th का सर्टिफिकेट होगा या 12th का सर्टिफिकेट. इसके बाद आप जितने भी सर्टिफिकेट देखोगे ना उनमें एक यूनिवर्सल नेम चलता है. ऐसा नहीं होता है कि आपका मन किया तो आपने एक सर्टिफिकेट में अलग नेम लिखवा दिया एंड फिर दूसरे फर्दर नेम चेंज कराते जा रहे हो. तो जब आपका नाम एक ही रहता है तो वैसे ही एनिमल्स एंड प्लांट्स के लिए भी एक ही नेम जो है वो दे दिया जाता है. डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड इनेबल द पीपल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अराइव एट द सेम नेम. एंड ये जो डिस्क्रिप्शन है किसी भी एक ऑर्गेनिज्म को जो दिया जा रहा है ना उसे क्या होता है ना कि थ्रू आउट द वर्ल्ड जितने भी लोग रह रहे हैं ना वो एक नेम पर आके स्टिक कर जाते हैं कि हाँ भाई हम इस ऑर्गेनिज्म को इस नेम से आइडेंटिफाई तो करेंगे. लोकल नेम्स चलते हैं, ऐसा नहीं है कि साइंटिफिक नेम आने के बाद आप लोकल नेम नहीं रख सकते हो. बट साइंटिफिक नेम क्यों है, आइडेंटिफिकेशन बेटर हो जाता है एंड ईजी हो जाता है उससे. They also ensure that such a name has not been used for any other known organism. And ये भी ध्यान रखा जाता है कि जो scientific name रखाया है ना वो किसी दूसरे organism का बिल्कुल भी ना हो. मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि दो organism है उनका same name हो, at least difference तो होता है. Biologists follow universally accepted principle to provide scientific names to known organisms. So biologists जो होते हैं ना वो एक कुछ series of principles follow करते हैं scientific name देने से पहले. Each name has two components, the generic name and the specific epithet. तो कोई भी scientific name है ना उसमें दो parts में वो divide होता है. First part में क्या आता है, generic name आता है and second जो part होता है ना उसमें specific epithet आता है. ये सब क्या है, अब this system of providing a name with two components is called binomial nomenclature. So यहाँ पर काफी सारे highlighting के points हैं कि जो दो components किसी भी एक scientific name में present होते हैं वो क्या क्या होगा. एक तो हो गया generic name हो गया and हो गया specific epithet. And इसके example हम अभी आगे देखने को मिल जाएगा कि कैसे ये generic name and specific epithet जो है वो divide होते हैं. उसके बाद ये जो सिस्टम है क्योंकि यहाँ पर नेम दो कंपोनेंट्स में डिवाइडेड है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. क्योंकि ठीक है इसको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बोलते हैं, ये सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि आपको बन जाएगा कि ये जो नेमिंग सिस्टम है या नोमेनक्लेचर इसको क्या बोलते हैं, बाइनोमियल. बट मेन जो क्वेश्चन आएगा तो क्यों बोलते हैं भाई,
आप किसी भी चीज को अगर नेम दे रहे हो तो उसका रीजन भी होता है. तो क्यों बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पर है और नेम दो कॉम्पोनेंट्स में डिवाइडेड है. दिस नेमिंग सिस्टम गिवन बाय कैरोलस लीनियस इज बीइंग प्रैक्टिस्ड बाय बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड. एंड ये जो नेमिंग सिस्टम दिया है ये किसने दिया है, कैरोलस लीनियस ने. एंड दैट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये काफी बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के फॉर्म में फिलअप्स हुए या फिर जो चूज द करेक्ट ऑप्शन होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वहां पर आया हुआ है कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया है. सो इट इज इसका जो क्रेडिट है वो किसको जाता है, कैरोलस लीनियस को. एंड उन्होंने ही ये सिस्टम दिया जिसको बाकी के सारे जो बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने प्रैक्टिस किया एंड साइंटिफिक नेम फिर फर्दर देना स्टार्ट किए. दिस नेमिंग सिस्टम यूजिंग अ टू वर्ड फॉर्मेट वॉज फाउंड कन्वीनियंट. तो ये जो टू वर्ड फॉर्मेट था ना ये काफी कन्वीनियंट लगा जितने भी बायोलॉजिस्ट थे उनको. लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ मैंगो टू अंडरस्टैंड द वे ऑफ प्रोवाइडिंग साइंटिफिक नेम्स बेटर. एंड इसको ना बेटर समझने के लिए यहाँ पे मैंगो का एग्जाम्पल लेकिन हम समझते हैं कि मैंगो के एग्जाम्पल से कि कैसे किसी भी चीज का साइंटिफिक नेम रखा जा सकता है. द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज रिटन एज मैग्निफेरा इंडिका. तो अब यहाँ पर मैंगो का साइंटिफिक नेम, मैंगो सबका बहुत फेवरेट फ्रूट होता तो है बट उसका साइंटिफिक नेम काफी सारे लोगों को नहीं पता होगा, तो अभी पता चल गया ना क्या होता है मैग्निफेरा इंडिका. अब ये कैसे रख दिया, लेट सी हाउ इट इज बाइनोमियल नेम. तो इसको अब हम देखते हैं कि ये बाइनोमियल नेम कैसे है. In this name, Magnifera represents the genus, while Indica is a particular species or a specific epithet. तो जो हम अभी फर्दर देखेंगे ना कि टेक्सोनॉमी के बारे में, टेक्सोनॉमिस्ट आपने वर्ड पढ़ा है तो वो भी आएगी डेफिनेशन की क्या होता है. एंड जो भी ऑर्गेनिज्म है पॉपुलेशन को अगर हम बोले तो वो डिवाइड है कुछ टाइप्स में. तो उसमें जो लोएस्ट लेवल पे आते हैं ना वो है स्पीशीज एंड उससे अबव आता है क्या, जीनस. तो ये जो जीनस नेम है वो हो जाता है क्या, जेनेरिक नेम. एंड स्पेसिफिक एपिथेट में क्या आ जाता है, जो स्पीशीज है. तो मैग्निफेरा क्या हो गया, जीनस हो गया, दैट मीन्स की जेनेरिक नेम हो गया. एंड इंडिका क्या हो गई, पर्टिकुलर स्पीशीज और स्पेसिफिक एपिथेट. अदर यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर आर एज फॉलो. सो अब यहाँ पर आप देखोगे ना कि ये थोड़ा इटैलिक्स में लिखा हुआ है, क्यों लिख दिया, बस ऐसे ही मन कर रहा था, नहीं इसका रूल होता है. वो रूल यहाँ पर गिवन है कि ये जो रूल्स हैं वो यूनिवर्सली फॉलो होते हैं. फर्स्ट रूल क्या है, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स. तो जो भी साइंटिफिक नेम्स होते हैं ना वो लैटिन वर्ड में है एंड इसीलिए उन्हें क्या है, इटैलिक्स में लिखा जाता है जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है. दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन. अभी कहीं से भी वो प्लांट और एनिमल का ओरिजिन हुआ हो या फिर कहीं का भी साइंटिस्ट ये नेम रख रहा हो उसको लैटिन लैंग्वेज में ही ये नेम्स को करना पड़ता है. सेकेंड रूल क्या है, द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस व्हाइल द सेकेंड कॉम्पोनेंट डिनोट्स द स्पेसिफिक एपिथेट. सो कभी भी जब साइंटिफिक नेम लिखते हैं ना तो फर्स्ट वर्ड हमेशा ही जीनस रिप्रेजेंट कर रहा हो एंड सेकेंड वर्ड जो होता है वो स्पीशीज रिप्रेजेंट करता है. ऐसा नहीं होता है कि कभी हमारा मन क्या था हमने पहले स्पीशीज लिख दिया एंड देन उसके बाद हम क्या लिख रहे हैं, जीनस लिख रहे हैं. सो फर्स्ट कम इज जीनस एंड सेकेंड विल बी स्पीशीज. थर्ड रूल आता है, बोथ द वर्ड्स इन द बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन. सो ये जो सेपरेटली अंडरलाइन है ना ये पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपको ये पता है कि लैटिन लैंग्वेज में है, इटैलिक्स में लिखते हैं, पहले हम जीनस लिख देते हैं फिर हम एपिथेट लिखते हैं. बट हैंड रिटन के टाइम पे ना दोनों वर्ड्स लिखने के बाद उन दोनों को इंडिविजुअली अंडरलाइन करते हैं. कॉमन अंडरलाइन नहीं होता है कि आपने मैग्निफेरा से स्टार्ट किया और इंडिका पे आके रुक रहे हो. क्या होता है, मैग्निफेरा पे लाइन आएगी अंडरलाइन एंड देन इंडिका पे सेपरेट अंडरलाइन होगा. तो क्लियर है ना कि आर दे आर सेपरेटली अंडरलाइंड. और अगर इनके प्रिंटिंग हो रही है तो प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन. एंड इटैलिक्स में कब करते हैं, जब हम प्रिंटेड फॉर्म में रखे नोट कर रहे हो. एंड इटैलिक्स में शो करने का रीजन क्या है, रीजन क्या है, लैटिन ओरिजिन है ये शो करने के लिए. देन फोर्थ रूल है, द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर व्हाइल द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट विद अ स्मॉल लेटर. एंड जब भी हम ये नेम लिखते हैं ना तो इसमें जो जीनस का नेम है वहां तो कैपिटल लेटर आता है, फर्स्ट वर्ड कैपिटल, बट जो स्पीशीज होती है ना उसमें कैपिटल लेटर नहीं आता, वो स्मॉल से ही स्टार्ट होती है. इट कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द एग्जाम्पल ऑफ मैग्निफेरा इंडिका. एंड ये यहाँ पर जो करेक्ट एग्जाम्पल एकदम गिवन है मैग्निफेरा इंडिका, उससे हम ये सारे रूल्स समझ सकते हैं कि कैसे हम बायोलॉजिकल नेम को लिखते हैं. एंड यहाँ पर एक और चीज कि जितने भी प्लांट्स हैं
उनका तो क्या हो जाएगा, बॉटैनिकल नेम होता है, जो साइंटिफिक नेम है, बिकॉज प्लांट की स्टडी को बोलते हैं बॉटनी, एंड प्लांट्स के जो नेम है उनको क्या बोलेंगे, बॉटैनिकल नेम, एंड जो एनिमल्स के नेम होते हैं उनको क्या बोलते थे, जूलॉजिकल नेम. क्लियर हुआ ये? सो यहाँ पर हमने क्या देख लिया कि क्या रूल्स होते हैं जो कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर में फॉलो किए जाते हैं. नाउ नेम द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट, नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट दैट इज एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम एंड इज रिटर्न इन एन एब्रीविएटेड फॉर्म, एग्जाम्पल मैग्निफेरा इंडिका लिन. सो अभी कई बार क्या होता है ना, जो ऑथर जिसने कि ये नेम दिया हुआ है उसका नेम भी इस साइंटिफिक नेम के साथ आता है एंड कंप्लीट नेम नहीं आता है, एब्रीविएटेड फॉर्म में शॉर्ट नेम आता है. जैसे यहाँ पर मैग्निफेरा इंडिका जो है वो लीनियस एक साइंटिस्ट ने दिया हुआ है, दैट इज व्हाई यहाँ पर ये उनका शॉर्ट फॉर्म आ गया. इट इंडिकेट्स दैट दिस स्पीशीज वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लीनियस, एंड ये क्या शो करता है कि ये इसकी जो फर्स्ट स्पीशीज थी इसको सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया, लीनियस ने किया. क्लियर है ना? सो उनका नेम यहाँ पर साइड में आ गया. सिंस इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इट इज नेसेसरी टू डिवाइज सम मीन्स टू मेक दिस पॉसिबल. क्योंकि अब देखो ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना. सो क्या नेसेसरी है कि कुछ हम ऐसे पॉसिबल वेज निकाल लें जिससे कि ये जो नेमिंग है वो थोड़ा और इजी हो पाए, या फिर जो स्टडी करना है ऑर्गेनिज्म की वो थोड़ी सी इजी हो जाए. दिस प्रोसेस इज क्लासिफिकेशन. तो जहाँ पर हमें ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना इजी हो जाता है उसके लिए हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं, एंड वो प्रोसेस होती है क्या, क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स. सो क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, जैसे अब स्कूल में है कि डिफरेंट डिफरेंट एज एंड डिफरेंट क्राइटेरियाज के बेसिस पर क्लासेस डिवाइड कर दी जाती है, जैसे हर एक स्टूडेंट के बारे में जो उसका डेवलपमेंट हो रहा है उसके बारे में इजीली पता लग सके. तो वैसे ही सारे ऑर्गेनिजम्स को क्या किया जाता है, ग्रुप कर दिया जाता है, एंड वो भी एक कन्वीनियंट कैटेगरी में एंड कुछ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक के साथ. ऐसा नहीं होगा, एंड स्कूल में अगर आप देखोगे ना कि जो डेटा कलेक्शन है सो वो क्लासेस वाइज होता है. ऐसा नहीं होगा कि किसी सेकेंड क्लास के स्टूडेंट का जो डेटा है वो एट्थ क्लास के स्टूडेंट के साथ ही रख दिया जाए, उसे फाइंड आउट करने में क्या होगी उस डेटा को एंड स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन निकालना डिफिकल्ट हो जाएगी. तो वैसे ही कुछ मिक्स कैरेक्टर के साथ जो ऑर्गेनिज्म है बस हमें तो स्पेस खाली दिख रही थी तो उस ग्रुप में रख दिया, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है. कॉमन कैरेक्टर्स प्रेजेंट होने के बाद ही हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को सेम ग्रुप में रख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी ईजिली रिकोगनाइज ग्रुप्स सच एज प्लांट्स और एनिमल्स और डॉग्स कैट्स और इंसेक्ट. सो जैसे हम प्लांट्स का ग्रुप और एनिमल का ग्रुप ईजिली रिकोगनाइज कर सकते हैं, एंड एनिमल्स में भी जो डॉग होते हैं, कैट है या फिर इंसेक्ट है, इनके जो ग्रुप्स हैं वो ईजिली रिकोगनाइजेबल हैं. द मोमेंट वी यूज एनी ऑफ दीज टर्म्स वी एसोसिएट सर्टेन कैरेक्टर्स विद द ऑर्गेनिज्म इन दैट ग्रुप. तो जैसे ही हम यहाँ पर ये टर्म यूज कर लेते हैं डॉग कैट और इंसेक्ट, सो हम कुछ ऐसे कैरेक्टर्स के साथ बाउंड हो जाते हैं जो ये ऑर्गेनिज्म के में प्रेजेंट होते हैं. व्हाट इमेज डू यू सी व्हेन यू थिंक ऑफ अ डॉग. अब जब आप डॉग के बारे में आपने नेम ही सुना तो आपके सामने क्या डॉग की इमेज आ जाएगी या फिर उससे रिलेटेड कोई इंसिडेंट सामने आ जाता है कई बार. तो ऑब्वियसली ईच वन ऑफ अस विल सी डॉग्स एंड नॉट कैट्स. तो जब आप डॉग के बारे में सोच रहे हो तो बहुत कॉमन सा है कि आपको डॉग ही दिखेगा फर्स्ट. तो नाउ इफ यू वांट टू थिंक ऑफ अस्टियानास वी नो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. सो जब हम अस्टियानास के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें ये भी पता है हम किसके बारे में बात कर रहे हैं. सिमिलरली सपोज वी वर टू से मैमल्स, यू वुड ऑफ कोर्स थिंक ऑफ एनिमल विथ एक्सटर्नल ईयर्स एंड बॉडी हेयर्स. सो अब अगर आप मैमल के बारे में सोचोगे तो मैमल के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो सामने आएंगे. ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप मैमल्स के बारे में सोच रहे हो और आपके सामने कोई फिश है. नो सॉरी, फिश इज ऑल्सो वर्टिब्रेट्स में आती है. सो ऐसा नहीं होगा कि आप कोई किसी इंसेक्ट्स के बारे में सोचने लोगों, मतलब नेम किसी और चीज़ का आ रहा है एंड इमेज जो है हमारे सामने किसी डिफरेंट की ही आ रही है. सो ऐसा तो पॉसिबल होता नहीं है. Likewise, in plants, if we try to talk of wheat, the picture in each of our mind will be of wheat plant, not of rice or any other plant. So, जैसे अब हमने animals का देखा, उसके अलावा अगर plants में भी बात करें ना, तो जिस particular plant के बारे में आप बात कर रहे हो, जिसका name आप सुनोगे, उसकी ही image सामने आएगी. Wheat का name सुनने पर rice की image का formation नहीं होगा सामने. Hence, all these dogs,
cats, mammals, wheat, rice, plants, animals, etc. are convenient categories we use to study organisms. So, इसीलिए क्या हुआ ना, plants and animals को कुछ convenient categories में divide किया हुआ है, जिससे उसकी study जो है वो easy हो जाए. अभी यहाँ पर ये जो Alsthania's name आया था, वो dog होता है एक variety का, क्योंकि यहाँ पर dog की class है पूरा जो ग्रुप है. तो उसमें क्या हो जाता है ना कि ये एक मेंबर है एंड ये जर्मन शेफर्ड डॉग होता है. क्लियर? सो यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे ग्रुप्स में ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया है, जिससे उसकी स्टडी एंड उसको कैटेगराइज करना कन्वीनियंट है. द साइंटिफिक टर्म फॉर दीज कैटेगरीज इज टैक्सा. तो ये जितने भी टर्म्स हैं ना, ये किसके अंडर में आते हैं, इनके लिए एक साइंटिफिक टर्म दिया हुआ है, टैक्सा. हियर यू मस्ट रिकॉग्नाइज दैट टैक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज एट वेरी डिफरेंट लेवल्स. सो जो टैक्सा ग्रुप्स होते हैं ना, वहाँ पर हम कैटेगरीज को एक डिफरेंट लेवल पे ही क्या कर सकते हैं, इंडिकेट कर सकते हैं. कैसे? प्लांट्स ऑल्सो फॉर्म अ टैक्सा, वीट इज ऑल्सो अ टैक्सा. तो जो प्लांट है वो भी टैक्सा है एंड वीट सिमिलरली एनिमल्स, मैमल्स, डॉग्स, ये भी सारे क्या है, टेक्सास की कैटेगरी में आते हैं. बट यू नो दैट अ डॉग इज अ मैमल एंड मैमल्स आर एनिमल. बट ये तो आपको पता है कि अब डॉग जो है वो मैमल है एंड मैमल्स जो होते हैं वो तो एनिमल्स होते हैं. देयरफॉर एनिमल्स, मैमल्स एंड डॉग्स रिप्रेजेंट टैक्सा एट डिफरेंट लेवल. इसीलिए ये सारे जो है वो टैक्सा की कैटेगरी में आते तो हैं, बट वो सारे ही डिफरेंट लेवल पे प्रेजेंट है. Hence, based on characteristics, all living organisms can be classified into different taxa. तो इसीलिए जो characteristic पे base करके जितने भी living organism है ना, उनको different different taxas में divide किया हुआ है. सो ये जो classification हो रहा है living organism का different different taxas में, इसको बोलते क्या है आखिर, तो ये है क्या, टेक्सोनॉमी. दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज टेक्सोनॉमी. ये जो प्रोसेस है ना, जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर क्या कर रहे हैं, कुछ डिफरेंट ग्रुप्स में जिनको बोलते हैं टैक्सा, उसमें डिवाइड कर रहे हैं. तो इसकी जो पूरी स्टडी है, जो कि किस पर बेस्ड है, प्रिंसिपल एंड क्लासिफिकेशन के प्रोसीजर पर बेस्ड है, वो होती है टेक्सोनॉमी. एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर्स अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल डेवलपमेंट process and ecological information of organisms are essential and form the basis of modern taxonomic studies. So taxonomic studies के लिए क्या चाहिए, किसी भी organism का cellular structure, जो developmental process है, साथ साथ ecological information है, या फिर और जो दूसरी information, essential information है किसी भी organism से related, तो वो modern taxonomic studies के लिए काफ़ी ज़्यादा important होती है. Hence, characterization, identification, classification and nomenclature are the process that are basic to taxonomy. तो taxonomy के लिए क्या क्या basic process होती है, characterization की, किसी भी organism को जो हम characterize करते हैं, then identification करना उसका, and identification के बाद क्या process आती है, classify कर देना, तो classification हो गया, and then उसके बाद naming जो होती है nomenclature में आ जाता है. तो ये सारी ही जो है वो taxonomy के में include होती हैं. टेक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू. तो ये कोई न्यू चीज़ नहीं है कि ऐसा हो कि अभी मॉडर्न टेक्सोनॉमी यूज़ किया हुआ है तो अभी ये कोई प्रोसेस आई है. ह्यूमन बींग हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर एंड मोर अबाउट द वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स, पर्टिकुलरली विथ रेफरेंस टू देयर ओन यूज. सो जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं ना, वो काफ़ी क्यूरियस बींग्स भी बोलते हैं हम इनको, तो वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं हमेशा ही ज़्यादा से ज़्यादा वेराइटी के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बारे में पता करने के लिए, एंड पर्टिकुलरली ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि उनके बेनिफिट के होते हैं. इन अर्ली डेज ह्यूमन बींग्स नीड टू फाइंड सोर्स फॉर देयर बेसिक नीड्स ऑफ फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर. सो अर्ली टाइम्स में, एंशियंट टाइम्स में क्या होता था कि ह्यूमन बींग को ऐसे ऑर्गेनिजम्स की सर्च होती थी, अब किस चीज़ के लिए, अपनी बेसिक नीड फुलफिल करने के लिए. बेसिक नीड्स में क्या आ जाता है, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग. तो इन सारी चीज़ों के लिए उनको नीड होती थी. तो उसके लिए वो क्या फाइंड आउट करते रहते थे, डिफरेंट एनिमल्स एंड प्लांट्स जो कि उनकी ये सारी नीड्स को फुलफिल करें. Hence, the earliest classification were based on the uses of various organisms. तो इसलिए जो सबसे first classification हुआ वो किस पर based था, जो different organisms थे, human beings थे, उनकी uses पर based था. Human beings were since long not only interested in knowing more about different kinds of organism and their diversities, but also the relationship among them. तो ह्यूमन बींग्स को सिर्फ ऐसा नहीं था कि जो डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी डाइवर्सिटी फाइंड आउट करने में इंटरेस्ट है, बट इंटरेस्ट और कहाँ था कि जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें कुछ रिलेशन होता है, वो इंफॉर्मेशन लेने के लिए भी ह्यूमन बींग्स इंटरेस्टेड थे.
दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वॉज रिफर्ड एज सिस्टमैटिक्स. एंड यही जो ब्रांच है ना जहाँ पर इंटर रिलेशनशिप देखा जा रहा था डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का, उसको बोलते हैं क्या, सिस्टमैटिक्स. द वर्ड सिस्टमैटिक्स इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टम. एंड ये जो सिस्टमैटिक्स वर्ड है वो कहाँ से आया है, सिस्टमा वर्ड जो कि एक लैटिन वर्ड है. एंड इसका मतलब क्या है, विच मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म. सो सिंपली ऑर्गेनिज्म का, सॉरी, कैरेक्टर्स एंड डिफरेंट डिफरेंट जो उनमें कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जो फीचर्स होते हैं, या फिर जो प्रिंसिपल है नॉमेनक्लेचर का, उस पर बेस्ड जो क्लासिफिकेशन या अरेंजमेंट हो रहा है एक सिस्टमैटिक वे में, वो होता है क्या, सिस्टमैटिक्स. लीनियस यूज्ड सिस्टम ऑन नेचर एज अ टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन. सो लीनियस जो एक बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, सिस्टम ऑन नेचर करके एक बुक पब्लिश की, जिसमें कि ये सारी जो टेक्सोनॉमिक स्टडीज एंड सिस्टमैटिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन थी. द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स वॉज लेटर एनलार्ज्ड टू इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन. एंड जो सिस्टमैटिक्स था उसका स्कोप थोड़ा टाइम बाद क्या हुआ, और ज़्यादा एनलार्ज हो गया. एंड जिसमें क्या क्या इंक्लूड हो गया, कि जो आइडेंटिफिकेशन है किसी ऑर्गेनिज्म का, या फिर उसका नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन है, वो भी सिस्टमैटिक्स में ही इंक्लूड हो गया. सिस्टमैटिक्स टेक्स इंटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स. एंड जो सिस्टमैटिक्स है ना, वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के बीच में जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है उसको भी फाइंड आउट करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं. ठीक है, सो अभी नेक्स्ट टॉपिक जो हम देखेंगे, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज. तो उसके पहले देख लेते हैं कि हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, उसमें क्या क्या आ गया था. सो लास्ट से स्टार्ट करते हैं, सिस्टमैटिक्स. मैंने उसके बाद क्या था, टेक्सोनॉमी. जो टेक्सोनॉमी है क्या होता है, स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ क्लासिफिकेशन. देन टेक्सोनॉमी में क्या इंक्लूडेड, नॉमेनक्लेचर भी उसमें इंक्लूडेड है. सो जहाँ पर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक नेम दे रहे हैं, कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर नेम हो जाए, तो ये प्रोसेस होती है क्या, नॉमेनक्लेचर. एंड वहाँ पर क्या दिया जाता है, एक स्टैंडर्डाइज नेम दिया जाता है. एंड जो नॉमेनक्लेचर है ना, उसके कुछ रूल्स होते हैं. एंड ये रूल्स फॉलो करने के बाद नेम को अप्रूव कौन करता है, सो जो रूल्स होते हैं नॉमेनक्लेचर के, वो प्रोवाइड किसने किए हैं एंड उनको अप्रूव करता है, ICBN एंड ICZN. तो इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर एंड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर. तो डिफरेंट दो ऑर्गेनाइजेशन हैं जो ये वर्क करते हैं. एंड नॉमेनक्लेचर में हमने ये भी देखा कि जो हम नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं वो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर है. एंड ये किसने दिया है, कैरोलस लीनियस ने. तो आपने ये तो अंडरलाइन कर लिया कि बायनोमियल नॉमेनक्लेचर वॉज गिवन बाय कैरोलस लीनियस एंड ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ टेक्सोनॉमी. तो हमने यहाँ पर जहाँ लास्ट कैरोलस लीनियस किया है ना, तो इसके साथ आप क्या लिख सकते हो, ही इज फादर ऑफ टेक्सोनॉमी. एंड इन केस अगर आपको बुक में नहीं लिखना है ना, तो आप एक सेपरेट कॉपी ले सकते हो जहां पर आप सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के नोट्स बनाते जाओ. सो ये जो बुलेट पॉइंट्स होते हैं ना, काफी बार क्या हो जाता है ना, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड काफी बार डिटेल्ड क्वेश्चन में भी आप ये माइन्यूट इन्फॉर्मेशन लिखते हो ना, सो वो बोर्ड एग्जाम हो या फिर लोकल एग्जाम्स होते हैं, उनमें काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो जाती है कि आपको एक माइन्यूट डिटेल भी पता है. दैट मीन्स कि आप थॉरली पढ़ रहे हो किसी भी चीज को, ठीक है ना. तो कैरोलस लीनियस हो गए टेक्सोनॉमी के फादर. उन्होंने क्या किया, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर में किसी भी नेम को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड किया, जेनेरिक नेम दैट मींस की जीनस एंड स्पेसिफिक नेम दैट मींस की स्पेसिफिक एपिथेट दैट मींस की जो स्पीशीज होती है. उसके बाद जो हम यहाँ पर देखा क्या, सिस्टमैटिक्स के बारे में. तो सिस्टमैटिक्स हो जाती है कि जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड उनमें जो रिलेशनशिप है उसकी स्टडी जो है वो सिस्टमैटिक्स के अंदर होती है. एंड ये जो है सिस्टमा नेचर, ये बुक किसकी है, लीनियस की. हाईलाइट दिस पॉइंट ऑल्सो कि सिस्टम ऑफ नेचर जो बुक है वो लीनियस की बुक है. एंड उन्होंने अपनी बुक का टाइटल जो था ये फाइंड आउट किया. तो हमने यहाँ पर मैग्निफेरा इंडिका के हेल्प से जो स्पीशीज जीनस की नेम को कैसे लिखते हैं इटैलिक्स में, या फिर जब आप हैंड रिटन लिख रहे हो तो अंडरलाइन आता है. अब हम आगे देख लेते हैं कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज जो हैं उनमें क्या क्या आ जाता है, ये स्पीशीज जीनस ये सारी चीज़ों के बारे में. सो लेट स्टार्ट दिस टॉपिक. क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक और कैटेगरी. सो जो क्लासिफिकेशन होता है ना, ऐसा तो नहीं है कि एक सिंगल स्टेप में ही बस पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन बता दिया. ये बहुत सारी स्टेप्स जो हैं इसमें इन्वॉल्व होती हैं. सिंस द कैटेगरी इज पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, तो इसलिए कोई भी कैटेगरी जो होती है ना, वो पूरे टैक्सोनॉमिकल अरेंजमेंट का पार्ट है. एंड इट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी. एंड इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बोलते हैं. एंड ऑल द कैटेगरीज टुगेदर कंस्टिट्यूट द टैक्सोनॉमिक हायरार्की. सो एक पर्टिकुलर कैटेगरी को तो बोलते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, बट सबको कंबाइनली मिला के क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमिक हायरार्की. ईच कैटेगरी रिफर्ड
to as a unit of classification. In fact, represent a rank and is called is commonly termed as taxon. So हर एक जो category है ना वो क्या है classification की unit होती है एंड वो एक रैंक रिप्रेजेंट करती है इस कॉमन सिस्टम में एंड उसको बोलते हैं क्या टैक्सॉन. एंड ये सिंगुलर वर्ड टैक्सॉन होता है क्योंकि अगर आप पर्टिकुलर एक रैंक की बात करो या एक यूनिट की बात करो तो सिंगुलर आएगा एंड प्लूरल इसका हो जाता है क्या टैक्सा. टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जाम्पल. एंड जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज और हायरार्कीज होती है ना वो एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर एक्सप्लेन है. दैट इज इंसेक्ट रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग कॉमन फीचर्स लाइक थ्री पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स. तो जैसे इंसेक्ट है वो क्या एक कॉमन फीचर शो कर रहे हैं कि उनमें थ्री पेयर्स ऑफ लेग प्रेजेंट है एंड दैट टू जॉइंटेड लेग्स प्रेजेंट है. इट मीन्स द इंसेक्ट आर रिकोगनाइजेबल कंक्रीट ऑब्जेक्ट विच कैन बी क्लासिफाइड एंड दस were given a rank or category. So insects में क्या है एक recognizable concrete object जो है character जो है वो present है जिसकी basis पर उनको classify किया है and एक rank दे दी गई या फिर एक category में divide किया. Can you name other such group of organisms? तो ऐसे कुछ organisms के group आप भी example में यहाँ पर mention कर सकते हैं. Remember group represent category. तो ये क्या ध्यान रखना एक चीज की जो group है वही category को represent करता है. Category further denotes rank and category then उसके बाद क्या denote करती है एक rank को डिनोट करती है. देन ईच रैंक और टैक्सॉन इन फैक्ट रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन एंड अल्टीमेटली क्या होता है जो हर एक रैंक या फिर टैक्सॉन है ना वो क्लासिफिकेशन की यूनिट रिप्रेजेंट करते हैं. दीज टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स कैटेगरीज आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज एंड नॉट म्योरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स. सो ये जो टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स और कैटेगरीज होते हैं ना वो अलग अलग बायोलॉजिकल आइडेंटिटीज हैं एंड सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स. दैट मींस कि मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर एक्यूमुलेट हो गए हैं और एग्रीगेट करके ग्रुप बना लियो ऐसा नहीं होता है. ये डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज होते हैं. टैक्सोनॉमिकल स्टडीज ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरीज सच एज किंगडम्स फाइलम और डिवीजन. सो जो टैक्सोनॉमिक स्टडी है ना उसे क्या हुआ जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उनका डेवलपमेंट हुआ एंड उससे कुछ कॉमन कैटेगरीज आई जैसे कि किंगडम. हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में एंड इवन यूनिट के स्टार्टिंग में देखा था ना कि यूनिट में दो चैप्टर्स आएंगे प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम. सो ये क्या हुआ जब ऑर्गेनिजम्स का कैटेगराइजेशन हो रहा है सो वहाँ पर कुछ कॉमन कैटेगरीज आई किंगडम. उसके बाद आता है फाइलम एंड डिवीजन. देन है क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस एंड स्पीशीज. सो ये सारी जो कैटेगरीज हैं उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे. ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग दोज इन द प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम्स हैव स्पीशीज एज द लोएस्ट कैटेगरी. सो जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ना चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो उनमें क्या है एक स्पीशीज होती है एंड वो जो स्पीशीज है वही लोएस्ट कैटेगरी है. सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि स्पीशीज जो है that is a lowest category. Now the question you may ask is how to place an organism in various categories. So ab main question to ye aata hai ki jitne bhi organism hai hame categories bhi pata chal gayi hain to hum कैसे उनको डिफरेंट कैटेगरीज में रखते हैं. द बेसिक रिक्वायरमेंट इज द नॉलेज ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म. सो बेसिक रिक्वायरमेंट इसके लिए क्या है नॉलेज. नॉलेज किस चीज़ का जब आपको किसी भी ऑर्गेनिज्म के या फिर इंडिविजुअल के कैरेक्टर्स पता होंगे तभी तो आप उसको एक ग्रुप में कैटेगराइज कर पाओगे. दिस हेल्प इन आइडेंटिफाइंग सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज अमंग द इंडिविजुअल ऑफ द सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज ऑफ अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स. तो इसे क्या एक और हेल्प मिलती है कि जो सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज होती है ना ऑर्गेनिजम्स के बीच में उनके बारे में आइडेंटिफाई करने एंड उनको स्टडी करने के लिए भी हेल्प मिलती है कि वेदर दो ऑर्गेनिजम्स जो प्रेजेंट हैं सराउंडिंग में उनमें क्या सिमिलैरिटीज हैं क्या डिसिमिलैरिटीज हैं जिसके बेसिस पर उनमें जो डिफरेंशिएशन है वो हुआ. सो यहाँ पर जो हमने पहले देखा ना कि किंगडम फाइलम डिवीजन क्लास ऑर्डर इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं फिर उसके बाद हम डिटेल में इंडिविजुअल टॉपिक को पढ़ते हैं. सो यहाँ पर अगर हम ह्यूमन बींग का एग्जाम्पल लें तो ह्यूमन बींग में किंगडम में क्या आ जाएगा कौन से किंगडम को बिलोंग करते हैं एनिमल किंगडम और एनिमेलिया. देन उसके बाद आता है फाइलम एंड डिवीजन. सो फाइलम और डिवीजन क्यों हो जाता है बिकॉज फाइलम वी टेक इन केस ऑफ एनिमल्स एंड डिवीजन इन केस ऑफ प्लांट. सो अगर आप प्लांट को इन कैटेगराइज कर रहे हो तो वहां पर आप किंगडम के बाद क्या शो करोगे डिवीजन शो करोगे. बट अगर आप एनिमल का कैटेगराइजेशन कर रहे हो सो किंगडम के बाद आता है क्या फाइलम. सो ह्यूमन बींग्स में फाइलम क्या हो जाएगा कॉर्डेटा. देन उसके बाद आती है क्लास
तो क्लास कौन सी है? मेमेलिया. देन ऑर्डर, ऑर्डर इज प्राइमेटा. देन आता है क्या? फैमिली, तो फैमिली है होमिनिड्स. जीनस इज होमो एंड स्पीशीज इज सेपियंस. तो यहाँ पर जो जीनस एंड स्पीशीज है उससे इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में क्या हो रहा है, रिप्रेजेंट हो रहा है. बट अब जो फैमिली होमिनिड्स है उसमें और भी दूसरे टाइप के ह्यूमंस या फिर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैविंग कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर टू ह्यूमन बींग प्रेजेंट हो सकते हैं. एंड जैसे जैसे ये और ऊपर लेवल पे जाएगा वहां पर और कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ दूसरे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट रह सकते हैं. सिंपल है. तो यहाँ पर जो लोएस्ट यूनिट होती है स्पीशीज उसके बारे में हम देखते हैं. टेक्सोनॉमिक स्टडीज कंसिडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज एज अ स्पीशीज. तो जितने भी टेक्सोनॉमिक स्टडीज हो रही है ना, तो वहां पर किसी भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को जब स्टडी कर रहे हैं तो उसमें फंडामेंटल सिमिलैरिटी के बेसिस पर क्या है, एक स्पीशीज टर्म आता है जो कि लोएस्ट क्राइटेरिया है क्लासिफिकेशन का. वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीशीज फ्रॉम द अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस. सो किसी को भी ना स्पीशीज के बारे में क्लियर आइडेंटिफिकेशन और क्यों जरूरी है, बिकॉज कोई भी दो स्पीशीज जो हैं उनमें सिमिलैरिटी अगर है ना तो वो सेम जीनस होगा. बट स्पीशीज जो है वो तो डिफरेंट होती ही है. कि एक तो ये हो गई क्या, लोएस्ट यूनिट है, दैट मीन्स कि बेसिक यूनिट है. सो यहाँ पर क्या हो जाता है, बेसिक यूनिट अगर है ना ये टेक्सोनॉमी की, तो जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है रिजेंबल करेंगे वन अनादर को, तो वो मोर वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर होते हैं. एंड जो इंडिविजुअल्स होते हैं ना किसी भी स्पीशीज के, अगर रिसेंबल कर रहे हैं ज़्यादा क्लोजली, तो उनको हम क्या बोल सकते हैं, दैट दे आर डिराइव फ्रॉम द सेम पेरेंट. दैट मीन्स कि अगर आप होमोसेपियन हो, सो यू आर होमोसेपियन, योर फादर एंड मदर ऑल एवरीबडी इज होमोसेपियन. दैट मीन्स कि सब में जीनस भी सेम है एंड स्पीशीज भी सेम है. सो यहाँ पर डिफरेंस कहाँ पर आ जाता है, कि जो पॉपुलेशन आप देखोगे, अर्ली ह्यूमंस देखोगे, अर्ली मैन जो था आदि मानव, या फिर जो एप्स होते हैं, इन सब में भी आप कुछ सिमिलैरिटी देखोगे जो ह्यूमन बींग से मैच करती हैं. बट ड्यू टू इवोल्यूशन ह्यूमन बींग जो है वो होमोसेपियंस हो गए. बट वहाँ पर अगर आप अर्लियर टाइम्स में जाओगे ना, तो आपको स्पीशीज तो ठीक है सेपियंस नहीं मिलेगा, बट जो जीनस है होमो वो मिलने के चांसेस होते हैं. दैट इज वाई यहाँ पर है कि हमें ये डिस्टिंग्विश करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज हैं उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं उनकी स्टडी इंपॉर्टेंट होती है. लेट अस कंसिडर मैग्निफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो एंड पेंथेरा लियो लायन. ऑल द थ्री नेम्स इंडिका ट्यूबरोसम एंड लियो रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट, दैट मीन्स की स्पीशीज. वाइल द फर्स्ट वर्ड मैग्निफेरा सोलेनम एंड पेंथेरा आर जेनेरा एंड रिप्रेजेंट अनदर हायर लेवल ऑफ टैक्सॉन और कैटेगरी. सो यहाँ पर अगर एग्जाम्पल देख रहे हैं मैंगो पोटैटो एंड लायन के साइंटिफिक नेम का, तो उसमें क्या हुआ, स्पीशीज एंड जीनस जो है उनको कैटेगराइज कर दिया. सो स्पीशीज में क्या क्या आ गया, ट्यूबरोसम लियो एंड इंडिका, एंड जीनस में आ गया मैग्निफेरा सोलेनम एंड पेंथेरा. तो ये जो जेनेरा क्या हो गया, टैक्सॉन है बट एक हायर लेवल का टैक्सॉन है. Each genus may have one or more than one specific epithet representing different organism. तो जो भी जीनस होता है ना उसमें क्या होते हैं, जितने भी जो जीनस हैं सब में एक या एक से ज्यादा स्पेसिफिक एपिथेट जो है वो प्रेजेंट होता है जो कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज. बट उनमें क्या होता है ना, अगर जीनस सेम है तो फिर स्पीशीज में क्या हो जाती है, मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज होती हैं. फॉर एग्जाम्पल पेंथेरा हैज अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड टिग्रिस एंड सोलेनम इंक्लूड स्पेसिफिक स्पीशीज लाइक नाइग्रम एंड मेलोंजिना. जैसे कि पेंथेरा है ना, तो पेंथेरा हो गया जीनस, बट यहाँ पर जैसे लियो जो स्पीशीज है तो पेंथेरा टिग्रिस भी होता है. सो मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज इन दोनों में प्रेजेंट होंगी बट जो स्पीशीज है वो क्या है, डिफरेंट है. ऐसे ही सोलेनम के साथ है कि सोलेनम ट्यूबरोसम के अलावा सोलेनम नाइग्रम एंड सोलेनम मेलोजिना भी प्रेजेंट होता है, जहां पर भी क्या होते हैं, सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज प्रेजेंट होती हैं. ह्यूमन बींग बिलोंग टू द स्पीशीज सेपियन विच इज ग्रुप्ड इन द जीनस होमो. सो जो होमोसेप ह्यूमन बींग्स है ना वो किसको बिलोंग करते हैं, सेपियन स्पीशीज को बिलोंग करते हैं, एंड जो जीनस होमो के अंदर काउंट होती है. द साइंटिफिक नेम दस फॉर ह्यूमन बींग इज रिटन एज होमोसेपियन. इसलिए जो ह्यूमन बींग का साइंटिफिक नेम है वो क्या हो जाता है, होमोसेपियन हो जाता है. एंड इसमें जीनस एंड स्पीशीज तो हमें समझ आ ही गए.
नाउ अब हम देखते हैं कि जीनस क्या होता है. अभी हमने देख लिया स्पीशीज जो लोएस्ट यूनिट है वो क्या है, जहां पर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज जो हैं वो डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंट के डिफरेंसेस के बेसिस पर सेपरेट हो जाते हैं या फिर डिस्टिंग्विश हो जाते हैं. अब जीनस में क्या होता है, जीनस कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज विच हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीशीज ऑफ अदर जेनरा. सो जीनस में क्या हो रहा है ना कि जो रिलेटेड स्पीशीज होती हैं, जो रिलेटेड स्पीशीज का ग्रुप है वो आता है जीनस में, जिनमें कि कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो मोर कैरेक्टर्स जो हैं वो कॉमन हो जाते हैं, क्योंकि स्पीशीज में मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेज भी हैं, मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज हैं, बट यहाँ पर क्या हो जाता है, कुछ डिफरेंसेस और आ जाते हैं. वी कैन से दैट जेनेरा आर एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज. सो जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज हैं वो जब एक्यूमुलेट हो जाती हैं, एग्रीगेट्स बना लेती हैं, तो वो क्या बन जाता है, जेनेरा बन जाता है. फॉर एग्जाम्पल पोटैटो एंड ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीशीज बट बोथ बिलोंग टू द जीनस सोलेनम. पेंथरा लियो दैट इज लायन एंड लेपर्ड, पेंथरा पार्डस एंड टाइगर, पेंथरा टिग्रिस विद सेवरल कॉमन फीचर्स आर ऑल स्पीशीज ऑफ द जीनस पेंथरा. सो यहाँ पर पोटैटो एंड ब्रिंजल का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि दे बोथ हैव डिफरेंट स्पीशीज बट उनकी जीनस क्या है, सेम जेनेरा को वो बिलोंग करते हैं. ऐसे ही लायन लेपर्ड एंड टाइगर में भी क्या है, स्पीशीज तीनों की डिफरेंट है बट क्या है, सेम जेनेरा को वो बिलोंग करते हैं. Are all species of the genus Panthera. ठीक है, so this genus differs from another genus Felis which includes cat. तो अभी ये क्या है ना, हम जैसे बोलते हैं कि लेपर्ड एंड टाइगर जो है वो भी कैट फैमिली को बिलोंग करते हैं, तो कैट फैमिली का एक और जीनस होता है Felis. वहां पर क्या है, Felis एंड जो Panthera है इनमें कुछ डिफरेंसेज आ जाते हैं, दैट इज वाई यहाँ से ये दो सेपरेट जीनस में डिवाइड हो गए. अगर यहाँ पर भी सिमिलैरिटीज होती तो उनको एक ग्रुप में रख सकते थे. तो सिंपली जीनस क्या हो जाता है कि एक ऐसा ग्रुप है जहां पर रिलेटेड स्पीशीज प्रेजेंट होते हैं, जिनमें कि स्पीशीज के कंपैरिजन में थोड़े ज्यादा कॉमन कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं. एंड वी कैन ऑल्सो से दैट कि जेनेरा जो होते हैं वो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज के एग्रीगेट्स होते हैं. नाउ द थर्ड कैटेगरी कम्स इज फैमिली. फैमिली में क्या आता है, अब कि जो फैमिली है वो ग्रुप है एक जहाँ पर रिलेटेड जेनेराज होते हैं बट सिमिलैरिटीज जो है वो और कम हो जाती हैं. और डिटेल में क्या है फैमिली में वो देखते हैं हम. द नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली सॉरी हैज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज एज कम्पेयर टू जीनस एंड स्पीशीज. तो यहाँ पर जो सिमिलैरिटीज का लेवल है वो और कम हो जाता है एंड ये क्या होता है, एक लेवल अप जेनेरा है. फैमिलीज आर कैरेक्टराइज ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट्स स्पीशीज. तो जो फैमिलीज होती हैं ना वो किस बेसिस पे कैटेगराइज होती हैं, रिप्रोडक्टिव फीचर एज वेल एज वेजिटेटिव फीचर जो प्लांट में प्रेजेंट होते हैं. अमंग प्लांट्स फॉर एग्जाम्पल थ्री डिफरेंट जेनरा सोलेनम पेट्यूना एंड धतूरा आर प्लेस्ड इन द फैमिली सोलेनेसी. सो अभी यहाँ पर क्या है, सोलेनम पेट्यूना एंड धतूरा तीनों को ही सोलेनेसी फैमिली के अंदर काउंट किया हुआ है. सो अंडरलाइन दिस पॉइंट ऑल्सो कि सोलेनेसी फैमिली में एग्जाम्पल्स क्या क्या इंक्लूडेड हैं, बिकॉज यहाँ पर जितने एग्जाम्पल दिए हैं उसके अलावा भी कुछ और जो फैमिलीज के एग्जाम्पल है वो भी काउंट हो जाते हैं. तो इससे आपको क्या याद रहेगा कि और जो दूसरे फैमिलीज हैं उनमें कौन कौन से जेनराज इंक्लूड होते हैं, जो कॉमन जेनराज हैं उनके नेम आपको करना है, ठीक है ना. एंड उसके अलावा इस पॉइंट को भी अंडरलाइन कर लेना आप कि फैमिलीज जो हैं वो किस बेसिस पे कैटेगराइज होती हैं, ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर. तो हम यहाँ पर देख रहे थे कि सोलेनेसी फैमिली में ये थ्री जेनेराज इंक्लूड हैं. अमंग एनिमल्स फॉर एग्जाम्पल जीनस पेंथरा कंप्राइजिंग लायन टाइगर लेपर्ड इज पुट अलॉन्ग विद जीनस फेलिस इन द फैमिली फेलिडी. तो जैसे अगर हम एनिमल्स की बात करें तो उसमें क्या होता है ना कि लायन है, टाइगर है, लेपर्ड है, तो ये किस में आते हैं, जीनस पेंथरा में आते हैं एंड कैट जो है वो जीनस फेलिस में आती है. बट ये दोनों ही जीनस किस में इंक्लूडेड है, फेलिडे फैमिली में इंक्लूडेड है. सिमिलरली इफ यू ऑब्जर्व द फीचर्स ऑफ कैट एंड अ डॉग यू विल फाइंड सम सिमिलैरिटीज एंड सम डिफरेंसेज एज वेल. तो अगर आप कैट और डॉग को ऑब्जर्व करोगे आपको कुछ सिमिलैरिटीज तो मिलेंगी बट कुछ डिफरेंसेज भी हैं एंड दैट इज वाई दे आर सेपरेटेड इनटू डिफरेंट फैमिलीज. इसलिए वो क्या है, दो सेपरेट फैमिली में है, फेलिडी एंड कैनिडी में रिस्पेक्टिवली. दैट मीन्स कि फेलिडी में आती है कैट्स एंड डॉग आते हैं कैनिडी में. तो यहाँ पर सिंपली ये है कि जो वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स हैं उसके बेस पर एनिमल्स को डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज में कैटेगराइज किया हुआ है एंड यही कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे डिफरेंट जो फैमिलीज हैं वो अराइज हुई हैं. तो जहाँ पर लेस सिमिलैरिटीज के बेसिस पर भी, कि अगर आप धतूरा का जो प्लांट है एंड
सोलेनम में देखोगे तो काफी सारे डिफरेंसेस दिखेंगे, बट एटलीस्ट कुछ सिमिलैरिटी होने के बेसिस पर ही उनको क्या किया हुआ है, सेम फैमिलीज में इंक्लूड करते हैं। उसके बाद आता है क्या, ऑर्डर। नेक्स्ट जो आएगा वो है ऑर्डर। यू हैव सीन अर्लियर दैट कैटेगरीज लाइक स्पीशीज, जीनस एंड फैमिलीज आर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स। सो ये जो सारे कैटेगरीज हमने तीन पढ़े ना टेक्सास, वो क्या थे, कुछ ना कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स पे बेस्ड थे। जनरली ऑर्डर एंड अदर हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स, बट जो और दूसरे या फिर हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है ना, वो किस पे है, कैरेक्टर्स के एग्रीगेट्स पर ही जनरली बेस्ड करते हैं। ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी इज द असेंबलेज ऑफ फैमिली विच एग्जिबिट्स अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स। तो क्या हो रहा है ना कि जो ऑर्डर है उसमें हमने क्या बोल रहे हैं कि जो हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के में इंक्लूडेड है, एंड उसको हम आइडेंटिफाई कैसे कर पाते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को किस ऑर्डर में रखा है, जो कैरेक्टर्स एग्रीगेट होते हैं। इसके पहले हमने क्या बोल दिया था, सिंपली स्पीशीज एंड जीनस में कि जो ऑर्डर्स जो कैरेक्टर्स एग्रीगेट हो रहे हैं उसके बेसिस पर हम डिफरेंट स्पीशीज या जीनस में किसी भी ऑर्गेनिज्म को नहीं कैटेगराइज कर सकते, बट जब हम ऑर्डर पर आ जाते हैं हायर लेवल पर, वहाँ पर सिंपली कैटेगराइजेशन का बेसिस जो है वो एग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स हो जाता है। ऑर्डर मीनिंग अ हायर कैटेगरी इज द असेंबलेज ऑफ फैमिलीज विच एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स। तो ऑर्डर में क्या हो जाता है, सिंपली कि ये फैमिलीज का असेंबलेज है जहां पर कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स मिलते हैं। जैसे अगर आप अपना ह्यूमन बींग का एग्जाम्पल लो, तो एक न्यूक्लियर फैमिली है, देन उसके बाद अगर ज्वाइंट फैमिली में हम देखते हैं कि जो और उसके बाद आता है कि एक्सटेंडेड फैमिली, तो वहां पर स्पीशीज में अगर आप काउंट करो, हम रिलेट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। सो एक जो न्यूक्लियर फैमिली है जिसमें कॉमन पेरेंट्स आ रहे हैं, वहां पर जो चाइल्ड्स हैं वो किस कैटेगरी में आ जाएंगे, स्पीशीज में, ठीक है। वो भी क्या होगा ना चाहिए, सिबलिंग्स। देन उसके बाद आते हैं क्या, पेरेंट्स आ जाएंगे जीनस में। उसके बाद क्या आता है यहाँ पर, क्लास, देन फैमिली। सो सॉरी, फैमिली एंड देन क्लास आ रहा है। सो सॉरी, सबसे फर्स्ट आता है क्या, किंगडम, देन उसके बाद आ रहा है क्या, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। बट हम क्या कर रहे हैं, रिवर्स ऑर्डर में पढ़ रहे हैं, जो कि उसमें था स्पीशीज, जीनस, फैमिली एंड देन ऑर्डर। सो फैमिली में क्या आ गया, पेरेंट्स के बाद आई फैमिली, एंड देन ऑर्डर में आप क्या काउंट कर सकते हो, जो कम्युनिटी है जहां पर कुछ कॉमन एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स जो हैं उसके बेसिस पर क्या हुआ, ऑर्डर। देन आ जाती है फिर क्लास। क्लास में जैसे पूरी की पूरी जो पॉपुलेशन है एक पर्टिकुलर एरिया की, उसे आप काउंट कर लेते हो, एंड देन वो पर्टिकुलर एरिया से टाउन, सिटी, स्टेट एंड कंट्री यहाँ तक पहुंच जाती है, एंड वही जो है वो हाई लेवल है। ऐसे ही एनिमल्स के कैटेगराइजेशन में हो रहा है या फिर प्लांट्स के कैटेगराइजेशन में हो रहा है। द सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर एज कम्पेयर टू डिफरेंट जेनरा इंक्लूडेड इन फैमिली। सो जो कैरेक्टर्स होते हैं ना यहाँ पर, उनमें सिमिलैरिटीज जो हैं वो कम हो जाते हैं, मतलब जो कंपेरिजन अगर करते हैं ना, सो वो जेनरा के अगर में देखें या फिर फैमिली में देखें ना, सो वो यहाँ पर ऑर्डर के केस में कम होते हैं सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। प्लांट फैमिलीज लाइक कॉन्वुलेसी, सोलेनेसी आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर पॉलिनोमियल्स, मेनली बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर्स। जैसे कि अगर ऑर्डर है यहाँ पर एक क्या, पॉलिनोमियल, तो उसमें कौन कौन सी फैमिलीज इन्वॉल्व है, कॉन्वुलेसी एंड सोलेनेसी फैमिलीज इन्वॉल्व है। अब सोलेनेसी फैमिली में भी हमने क्या देखा कि दो टू और थ्री टाइप के जो जीनस हैं वो इंक्लूडेड हैं, जिनमें और डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज हैं। सो ऐसे ही यहाँ पर क्या हुआ कि इन दोनों फैमिलीज को इस ऑर्डर में पॉलिनोमियल्स में क्यों रखा हुआ है, बिकॉज दोनों ही फैमिलीज जो कॉन्वुलेसी एंड सोलेनेसी हैं वो सिमिलर फ्लोरल कैरेक्टर्स जो है वो शो करते हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो कैरेक्टर्स का एग्रीगेट है वो काउंट होने लगा। द एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड फैमिलीज लाइक फेलिडी एंड कैनिडी, एंड जो हमने कैट और डॉग की फैमिलीज पढ़ा ना, वो दोनों किस ऑर्डर में आती हैं, कार्निवोरा ऑर्डर में आते हैं, बिकॉज दोनों में ही क्या है, सिमिलर कैरेक्टर्स प्रेजेंट है। क्या सिमिलर कैरेक्टर्स प्रेजेंट है कि कैट एंड डॉग बोथ आर कार्निवोरस, दैट इज वाई उनका जो फैमिली का नेम, ऑर्डर का नेम है, वो भी कार्निवोरा है। सो यहाँ पर एक चीज क्लियर हो रही है आपको कि जीनस एंड स्पीशीज में बहुत ही माइन्यूट कैरेक्टर्स में सिमिलैरिटी को देखा जाता है, एंड वो जो सिमिलैरिटी का बेसिस है वो इंक्रीज डिक्रीज हो जाता है कि सिमिलैरिटी जो फैमिली में कम है, ऑर्डर में और कम सिमिलैरिटी हम काउंट करते हैं, ठीक है। ऑर्डर के बाद आता है क्या, अब क्लास। सो क्लास में क्या देखते हैं हम, दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स। तो जितने भी रिलेटेड ऑर्डर्स है ना,
सो सॉरी. सो जितने भी रिलेटेड ऑर्डर्स हैं उनमें सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस जो हैं वहाँ पर कैटेगराइजेशन फिर किस में होता है, क्लास में होता है. फॉर एग्जांपल, ऑर्डर प्राइमेटा कंप्राइजिंग मंकी, गोरिल्ला एंड गिबन इज प्लेस्ड इन क्लास मेमेलिया अलोंग विद द ऑर्डर कार्निवोरा दैट इंक्लूड्स एनिमल लाइक टाइगर कैट एंड डॉग. क्लास मेमेलिया हैज अदर ऑर्डर्स ऑल्सो. सो क्लास का यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है मेमेलिया. सो मेमेलिया में जो मंकी है, गिबन, गोरिल्ला ये सब भी इंक्लूडेड है. दैट मीन्स कि जो ऑर्डर प्राइमेटा में आते हैं एंड उसके अलावा जो ऑर्डर कार्निबोरा में आते हैं, दैट मीन्स कि फेलिडी एंड कैनिडी फैमिली, वो भी मैमल्स में इंक्लूडेड हैं. क्योंकि इन सब में क्या है, मैमल्स के जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो प्रेजेंट हैं. दैट इज वाई ये सारे ही ऑर्गेनिजम्स एंड जो फैमिलीज और ऑर्डर्स हैं वो एक क्लास में काउंट होते हैं. तो यहाँ पर जो रिलेटेड कैरेक्टर्स हैं ना, रिलेटेड ऑर्डर्स हैं, उनका कैटेगराइजेशन होता है किसमें, क्लास में. क्लास के बाद आता है फिर क्या, फाइलम. क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल्स लाइक फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड अलॉन्ग विद मैमल्स कंस्टिट्यूट द हायर नेक्स्ट हायर कैटेगरी कॉल्ड फाइलम. सो ये जितने भी क्लास के बाद का जो कैटेगराइजेशन है, जो कि एनिमल्स हो, चाहे जैसे कि फिश हो, चाहे एम्फीबियन हो, रेप्टाइल्स हो या बर्ड हो एंड साथ साथ मैमल्स, ये एक नेक्स्ट हायर क्राइटेरिया में जाते हैं जो कि होता है क्या, फाइलम. एंड इसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ना जो कि डिफरेंट क्लासेस को बिलोंग करते हैं एंड उनमें बहुत ही कम कॉमन कैरेक्टर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं. ऑल दीज बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर्स लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड डॉर्सल होलो न्यूरल सिस्टम. तो ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ना, या फिर जो हम बोल सकते हैं क्लास, ऑर्डर एंड फैमिलीज हैं, वो किस पे डिपेंडेंट है, एक कॉमन फीचर होता है नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस एंड डॉर्सल होलो न्यूरल सिस्टम. सो ये जिन भी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है या जिस भी क्लास के ऑर्गेनिजम्स में ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट है, तो वो किस में आ जाते हैं, फाइलम कॉर्डेटा में आ जाते हैं. दैट मीन्स कि फाइलम कॉर्डेटा का पार्ट अगर किसी भी क्लास को होना है तो उस क्लास के मेंबर्स में क्या प्रेजेंट होना चाहिए, नोटोकॉर्ड एंड डॉर्सल होलो न्यूरल सिस्टम जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए. इन केस ऑफ प्लांट, क्लासेस विद अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स आर असाइन टू अ हायर कैटेगरी कॉल्ड डिवीजन. एंड ये जो फाइलम है ना, ये एनिमल्स के केस में देखते हैं, बट हम प्लांट्स के केस में क्या देखते हैं कि अगर सिमिलर कैरेक्टर्स मिलते हैं सो उनको किस कैटेगरी में रखते हैं, क्लास के बाद आ जाता है, डिफरेंट क्लासेस को डिवीजन की कैटेगरी में रखते हैं इन केस ऑफ प्लांट्स. एंड देन फाइलम एंड डिवीजन के बाद आता है क्या, किंगडम, जो कि लार्जेस्ट टैक्सा होता है. ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला आर असाइन्ड टू द हाईएस्ट कैटेगरी कॉल्ड किंगडम एनिमेलिया कॉल्ड किंगडम. सो जो जितने भी एनिमल्स हैं ना, जितने भी एनिमल्स के फाइला हैं, उनको एक लास्ट एंड जो हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन होती है उसमें रख देते हैं. तो जितने भी एनिमल्स हैं वो आ जाएंगे किंगडम एनिमेलिया में एंड जो प्लांट्स हैं वो आ जाएंगे किसमें, किंगडम प्लांट में. द किंगडम प्लांट ऑन द अदर हैंड इज डिस्टिंक्ट एंड कंप्राइजेज ऑल द प्लांट्स फ्रॉम वेरियस डिविजन्स. तो जितने भी डिविजन्स के प्लांट है ना वो किसमें आ जाएंगे, किंगडम प्लांट में. Henceforth, we will refer to these two groups as animals and plant kingdom. इसलिए हम जो दो largest group की बात अगर करें तो वो क्या क्या देखेंगे यहाँ पर, plant kingdom and animal kingdom, जिसको हम separately आगे और पढ़ेंगे. The taxonomic categories from species to kingdom have been shown in ascending order, starting from the species in figure 1.1. सो यहाँ पर इस फिगर में यहाँ पर क्लियरली मेंशन है इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्पीशीज टू किंगडम का जो कैटेगराइजेशन है कि स्पीशीज जो है यहाँ पर हम अगर ह्यूमन बींग का ही एग्जाम्पल लेके हमने देख लिया था ना कि स्पीशीज में क्या आ गया, सेपियंस. देन उसके बाद हायर लेवल आती है क्या, जीनस. सो जीनस में क्या आ गया, होमो. तो ये जो होमो एंड सेपियंस है ये मिलके क्या बना रहे हैं, बायनोमियल नेम बना दिया. एंड जीनस जो हो रहेगी उसमें क्या है, कुछ कॉमन कैरेक्टर्स और प्रेजेंट है. जैसे कि जीनस होमो है तो फैमिली कौन सी आएगी इसमें, होमोनिड्स. कि जो होमो है ना वो होमोनिड्स तो है बट अपराइट पॉस्चर है, क्योंकि यहाँ से क्या है, जीनस जो है एंड स्पीशीज है, डिफ्रेंशिएट कब हुआ. सो ऐसे होमोनिड्स जिनमें की अपराइट पॉस्चर है वो कौन सी जीनस हो गई, होमो हो गई. एंड देन उसके बाद सेपियंस क्या हो गए, जिनमें फोर ब्रेन जो है वो डेवलप्ड होता है, फोर हेड जो है वो प्रॉपर है, स्कल बोन प्रेजेंट होती है, वहां पर आ जाती है क्या, सेपियंस स्पीशीज. सो ये जो फैमिली में होमोनिड आ रहा था. सो होमोनिड क्या है, किसके अंडर में आएगा,
ऑर्डर प्राइमेटा के अंदर आएगा. बट ऐसा कौन सा ऑर्डर है? प्राइमेट्स विद रिलेटिवली फ्लैट फोकस एंड जो सेंसेस प्रेजेंट होती हैं सिंपली, वो क्या हो जाते हैं? फैमिली होमोनिड्स आ गई. देन उसके बाद आता है ऑर्डर प्राइमेट. तो ऑर्डर प्राइमेट किसके अंदर में आएगा? क्लास मैमिलिया के अंदर आएगा. सो ऐसे प्राइमेट्स और ऐसे मैमल्स जिनमें की कॉलर बोन प्रेजेंट होती है, वो होते हैं क्या? प्राइमेट ऑर्डर में आते हैं. देन है क्लास मैमिलिया. क्लास मैमिलिया किसके अंदर में आती है? फाइलम कॉर्डेटा में आती है. तो मैमल्स क्या हो जाते हैं कि ऐसे कॉर्डेट्स हैं विथ बॉडी हेयर, बॉडी पे हेयर प्रेजेंट होते हैं एंड मिल्क ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं. तो ये हो गई किसकी क्लास? मैमल्स हो गया. देन उसके बाद जो फाइलम कॉर्डेटा है, तो एनिमल्स जिनमें भी बैकबोन प्रेजेंट है वो हो जाएंगे किसमें? फाइलम कॉर्डेटा में. एंड वो किसके अंदर में आ रहा है? फाइलम जो है वो किंगडम में आता है. किंगडम क्या हो गया? एनिमलिया. तो एनिमलिया ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें की मूवमेंट जो है वो अपने आप से हो रही है बाय द सेल्फ, दैट इज कॉल्ड एज एनिमल. सो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के साथ एंड क्या क्या डिफरेंसेज एंड सिमिलैरिटीज के बेसिस पर इस पूरे फिगर को देखा कि कहाँ पर जो एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग का एनिमल किंगडम से स्पीशीज तक आए, सो कहाँ पर किस बेसिस पर डिफरेंसिएशन हुआ. फर्दर हेयर दीज आर ब्रॉड कैटेगरीज. तो ये जो कैटेगरीज है ना, ये ब्रॉड कैटेगरीज हैं. हाउएवर टेक्सोनॉमिस्ट हैव ऑल्सो डेवलप्ड सब कैटेगरीज इन देयर हायरार्की टू फैसिलिटेट मोर साउंड एंड साइंटिफिक प्लेसमेंट ऑफ वेरियस टेक्सा. सो ये तो ब्रॉड कैटेगराइजेशन है, इनमें काफी सारी जगह सब कैटेगरीज भी डिवाइडेड हैं, जिससे कि और इजी एंड कन्वीनियंट प्लेसमेंट हो जाता है किसी भी टेक्सा में ऑर्गेनिज्म का. एंड उससे बेटर क्या है? स्टडी भी बहुत इजी हो जाती है. लुक एट द हायरार्की इन फिगर 1.1, यू कैन रिकॉल द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट. एंड अगर इस फिगर में आप हायरार्की को देखोगे ना, सो आप जो अरेंजमेंट का बेसिस है, आप यहाँ पर ना चेंज नहीं कर सकते क्योंकि किंगडम के बाद हम डायरेक्ट ऑर्डर पे आ गए. सो एक ये सीक्वेंस में चलता है. हायरार्की होती है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज की. से फॉर एग्जाम्पल एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम, द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स गोज ऑन डिक्रीजिंग. सो जब आप बॉटम टू टॉप जा रहे हो ना, स्पीशीज टू किंगडम, तो जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या होते जाएंगे? डिक्रीज होते जाएंगे. तो सबसे ज्यादा सिमिलर कैरेक्टर्स कहाँ पर मिलेंगे? स्पीशीज एंड देन जीनस में. एंड सबसे कम कॉमन कैरेक्टर्स कहां पर मिलेंगे? किंगडम में. लोअर द टेक्सा मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट द मेंबर विद इन द टेक्सा शेयर. सो जितना ज्यादा लोअर टेक्सा कैटेगरी होगी ना, उतने ही ज्यादा क्या होंगे? कॉमन कैरेक्टर्स होंगे उसके मेंबर्स. जो भी मेंबर्स वहां पर प्रेजेंट होंगे ना, उनमें उतने ही ज्यादा कॉमन कैरेक्टर्स प्रेजेंट होंगे. हायर द कैटेगरी, ग्रेटर इज द डिफिकल्टी टू डिटरमाइनिंग डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू अदर टेक्सा एट द सेम लेवल. एंड जितना हायर कैटेगरी पे चले जाएंगे, वहां पर जाके ऑर्गेनिज्म को डिटरमाइन करना कि ये किस कैटेगरी को या क्लास एंड ऑर्डर ऑफ फैमिली को बिलोंग करता है, वो उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा. एंड जो इंटर रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है वो भी डिफिकल्ट होगा, बिकॉज जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनका नंबर जो है वो डिक्रीज होता जाता है. हैंस द प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स. इसीलिए जो क्लासिफिकेशन है वो डिफिकल्ट हो जाता है. सो यहाँ पर ये दोनों पॉइंट्स को हाईलाइट करना इंपॉर्टेंट है कि जो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स हैं वो कहाँ पर है? बॉटम टू टॉप जाने पे डिक्रीज हो रहा है. दैट मीन्स एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स जो है वो डिक्रीज हो रहा है. देन उसके बाद लोअर द टैक्सा मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक दैट द मेंबर्स विद इन द टैक्सॉन शेयर. कि जितना ज्यादा टैक्सा लोअर लेवल पे है, उतने ही ज्यादा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स पे है. हायर कैटेगरी आने के बाद कैरेक्टर्स जो सिमिलर है वो कम हो जाते हैं. दैट इज वाई इंटर रिलेशनशिप फाइंड आउट करना, डिटरमाइन करना डिफिकल्ट हो जाता है. दैट इज वाई द प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स एट हायर लेवल. सो ये भी यहाँ से काफी सारे क्वेश्चंस इन दो तीन पॉइंट से बन जाएंगे कि कहाँ पर क्लासिफिकेशन ईजी है एट स्पीशीज लेवल, कहाँ पर क्लासिफिकेशन डिफिकल्ट है एट किंगडम लेवल, क्योंकि वहां पर कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीज हो रहे हैं. Now there is table 1.1 which indicates the taxonomic categories to which some common organisms like housefly, man, mango and bee belong. So ये कुछ common living organisms हैं जिनके common name, then उसके बाद biological name, साथ साथ जो different taxonomic categories में divide किया हुआ है यहाँ पर given है. Let's see man. तो हमने यहाँ पर man के बारे में देखा. हम यहाँ पर housefly के देख लेते हैं. Housefly का बायोलॉजिकल नेम क्या होता है? बोटानिकल नेम, नो सॉरी, हेयर विल बी जूलॉजिकल नेम, मस्का डोमेस्टिका. सो मस्का क्या हो जाएगा? जीनस, एंड स्पीशीज विल बी डोमेस्टिका. देन उसके बाद आती है फैमिली. फैमिली क्या हो जाएगी? मस्किडी. ऑर्डर इज डिप्टेरा.
क्लास आ गई क्या इंसेक्टा एंड फाइलम। अगर आपको नाइन्थ क्लास में जो आपने पढ़ा हुआ है ना क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो वहां पर हमने एक फाइलम पढ़ा हुआ है आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा की क्लास इंसेक्टा है, जिसमें डिफरेंट ऑर्डर एंड फैमिली में क्या आता है, हाउस फ्लाई इंक्लूडेड है। देन उसके बाद मैंगो, मैग्नीफेरा, इंडिका जो पढ़ा, इंडिका तो था हमने स्पीशीज, जीनस क्या है मैग्नीफेरा, जो आती है एनासर्किडेसी फैमिली में, जो कि ऑर्डर सैपिनिडेल्स में है। एंड क्लास आती है क्या डाइकोटिलेडंस, जिनमें की दो कोटिलेडन प्रेजेंट है, वो क्लास है एंजियोस्पर्मी। एंड एंजियोस्पर्म्स जो है वो डिवीजन हो गया, क्योंकि ये प्लांट्स है तो यहाँ पर हम डिवीजन देखते हैं। सो क्लियर हो रहा है ना। सो इस टेबल में क्या है, ऐसे ही आप और जो दूसरे ऑर्गेनिज्म की आप यहाँ पर क्या है कॉमन नेम के साथ बायोलॉजिकल नेम आपको फाइंड आउट करना है। ये आपके लिए एक टास्क है कि आप और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के आप नेम्स जो साइंटिफिक नेम है वो फाइंड आउट करोगे, एंड देन उनके डिफरेंट जो जीनस फैमिली ऑर्डर क्लास एंड फाइलम और किंगडम जो है उसमें उनको डिवाइड करना है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट टॉपिक अब हम देखेंगे क्या टैक्सोनॉमिकल एड्स। टैक्सोनॉमिक स्टडीज ऑफ वेरियस स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स आर यूजफुल इन एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री इंडस्ट्री एंड इन जनरल इन नोइंग अबाउट बायो रिसोर्सेज एंड देयर बायोडाइवर्सिटी। तो जो टेक्सोनॉमिक स्टडीज होती है ना किसी भी प्लांट एंड एनिमल की स्पीशीज की या फिर जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं वो कहाँ पर यूजफुल है। टेक्सोनॉमिक स्टडी के बारे में हमने इतना पढ़ तो लिया है कि हम ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं, बट क्यों कर रहे हैं, बिकॉज एग्रीकल्चर हो या फॉरेस्ट्री या इंडस्ट्री एंड उसके अलावा जो जनरल सोर्सेज होते हैं बायो रिसोर्सेज हैं या फिर डाइवर्सिटी है, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन या फिर जो जनरल इंफॉर्मेशन है लेने के लिए टेक्सोनॉमिक स्टडीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को इतना प्रॉपरली डिवाइड नहीं किया जाएगा ना तो उसको कहां पर सिग्निफिकेंट यूज है वो फाइंड आउट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। दीज स्टडीज वुड रिक्वायर करेक्ट क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ये सारी स्टडीज करने के लिए क्या है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का प्रॉपर क्लासिफिकेशन एंड उसका आइडेंटिफिकेशन अगर नहीं होगा तो ये स्टडीज और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएंगी। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर इंटेंसिव लेबोरेटरी एंड फील्ड स्टडी। अब किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए इंटेंसिव लेबोरेटरी की रिक्वायरमेंट है एंड फील्ड स्टडीज की भी रिक्वायरमेंट होती है। सो ये जो फील्ड स्टडीज एंड लेबोरेटरीज होती है ना वही किस में आ जाती हैं टेक्सोनॉमिकल एड्स में आती हैं। द कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज इज एसेंशियल एंड इज द प्राइम सोर्स ऑफ टेक्सोनॉमिक स्टडीज। सो ये जो इन्वेस्टिगेशन के बाद आइडेंटिफिकेशन जो कर रहे हैं ना उसके साथ साथ क्या होता है कलेक्शन हो जाता है किसी भी प्लांट या एनिमल स्पीशीज के स्पेसिमेन का। सो वो क्यों इंपॉर्टेंट है, टेक्सोनॉमिक स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने स्कूल में देखा होगा कि काफ़ी सारे स्पेसिमेंस होते हैं, लाइक फ्रॉग का भी स्पेसिमेन है, काफ़ी सारे जो प्लांट्स एंड फिशेज जो होते हैं सबके स्पेसिमेंस होते हैं। सो वो क्या है टेक्सोनॉमिक स्टडी करने में बेनिफिशियल होता है। दीज आर ऑल्सो फंडामेंटल टू स्टडीज एंड एसेंशियल फॉर ट्रेनिंग इन सिस्टमैटिक्स। एंड ये किस लिए और होते हैं, स्टडीज के लिए तो फंडामेंटल है ही, साथ साथ जो ट्रेनिंग होती है इस सिस्टमैटिक्स की उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इट इज़ यूज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड द इंफॉर्मेशन गैदर्ड इज ऑल्सो स्टोर्ड अलॉन्ग विद द स्पेसिमेंस। सो यहाँ पर क्या होता है ना कि क्लासिफिकेशन के लिए तो काम में आ गए, बट ये जो इन्फॉर्मेशन होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की पूरी डिटेल्स जो है वो फर्दर स्टोर की जा सकती है स्पेसिमेंस के फॉर्म में या फिर और डिफरेंट फॉर्म्स में। In some cases the specimen is preserved for further studies and कई बार क्या होता है ना further study के लिए भी specimens को store कर लिया जाता है। Biologists have established certain procedure and techniques to store and preserve the information as well as the specimens. And biologists जो है ना उन्होंने कुछ procedures and techniques जो हैं वो find out की हैं, establish किया है, जिससे कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को स्टोर कर सकते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन को भी स्टोर कर सकते हैं एंड साइड बाय साइड ऑर्गेनिज्म को प्रिजर्व कर सकते हैं, जिससे कि क्या हुआ फर्दर स्टडीज में हेल्प मिलती है। सम ऑफ दीज आर एक्सप्लेन टू हेल्प यू अंडरस्टैंड द यूसेज ऑफ दीज एड्स। एंड यहाँ पर कुछ जो है टेक्निक्स जो है वो यहाँ पर और प्रोसीजर्स जो फॉलो होते हैं वो यहाँ पर गिवन है, जिससे कि ये जो टेक्सोनॉमिकल एड्स हैं उनके बारे में और ज़्यादा पढ़ सकते हैं। तो सिंपली टेक्सोनॉमिकल एड्स जो है वो क्या क्या हो जाती है, हर्बेरिया है, जैसे हर्बेरियम है, बॉटेनिकल गार्डन्स होते हैं, म्यूजियम है, जूलॉजिकल पार्क्स एंड कीज जो हैं ये सारे टेक्सोनॉमिक एड्स होते हैं, जो यहाँ पर हम डिटेल में वन बाय वन पढ़ेंगे। फर्स्ट आता है क्या हर्बेरियम। हर्बेरियम इज अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंस दैट आर ड्राइड प्रेस्ड एंड प्रिजर्व ऑन शीट्स। तो जो हर्बेरिया होते हैं ना वो क्या है, स्टोर हाउस है कलेक्टेड प्लांट्स का,
या फिर जो प्लांट के स्पेसिमेंट्स होते हैं ना उनको ड्राई कर किया जाता है. कैसे ड्राई किया जाता है? सन ड्राई नहीं करते, उसको प्रेस करके ड्राई करते हैं एंड शीट्स पर प्रिजर्व करते हैं. फर्दर दीज शीट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द टू अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. एंड देन जिन शीट्स पे ये प्लांट्स के जो पार्ट है उनको ड्राई करके प्रिजर्व किया जाता है ना, उसको क्या करते हैं हम, फिर जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, उसके अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं. दीज स्पेसिमेंट्स अलॉन्ग विद देयर डिस्क्रिप्शन ऑन हर्बेरियम शीट्स बिकम अ स्टोर हाउस ऑफ रिपोजिटरी फॉर फर्दर यूज. सो ये जो स्पेसिमेंट्स होते हैं ना, साथ साथ किसके जो डिस्क्रिप्शन है हर्बेरियम शीट पे जिसका वन बाय वन लिखा जाता है, वो क्या बन जाते हैं? स्टोर हाउस बन जाता है या फिर रिपोजिटरी होता है जो कि फर्दर यूज के लिए हेल्पफुल है. फिगर 1.2 में यहाँ पर हर्बेरियम एक स्टोर जहाँ पर स्पेसिमेंट्स को स्टोर किया जाता है वो गिवन है कि इस टाइप के जो अल्मिराज या ब्लॉक्स हैं उसमें ये जो शीट्स या फिर फाइल्स के फॉर्म में अरेंज कर देते हैं. द हर्बेरियम शीट्स ऑल्सो कैरी अ लेबल प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन. एंड ये जो हर्बेरियम शीट्स होती है ना जहाँ पर प्लांट का ड्राइड स्पेसिमेन लगाया जाता है उस पर किस डेट को ये कलेक्ट किया हुआ था, कहाँ पर कलेक्शन हुआ था उस हर्बेरिया का, सो ये सारी चीज़ें मैंशनड होती हैं. इंग्लिश लोकल एंड बोटानिकल नेम्स, फैमिलीज, कलेक्टर्स नेम्स एक्सेट्रा. एंड इसके साथ साथ उस पर्टिकुलर स्पीशीज का इंग्लिश नेम, लोकल नेम एंड बोटानिकल नेम सारा कुछ इंक्लूड होता है. उसके अलावा फैमिली भी लिखते हैं कि किस फैमिली को वो स्पीशीज बिलोंग करती थी. एंड साइड बाय साइड जो कलेक्टर नेम है कि किसने उस हर्बेरिया की शीट को फॉर्म किया है एंड उस स्पीशीज को फाइंड किया था, तो ये सारी जो डिटेल्स हैं वो भी हर्बेरियम शीट पे मेंशनड होती हैं. हर्बेरिया ऑल्सो सर्व्स एज क्विक रेफरल सिस्टम इन टैक्सोनॉमिकल स्टडीज. सो हर्बेरिया जो है वो एक और चीज क्या होता है, सिंपली क्विक रेफरल सिस्टम होते हैं टेक्सोनॉमिकल स्टडीज के लिए. क्योंकि यहाँ पर क्या ना, क्विकली अगर आप हर्बेरिया शीट्स को देखोगे तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे, क्योंकि प्लांट जो है ड्राइड फॉर्म में जरूर है बट फिजिकली वहाँ पर प्रेजेंट है. सो लीव्स के बेसिस पर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो. एंड अपीयरेंस अगर ना भी देखो तो इतनी सारी डिटेल्स यहाँ पर मैंशनड होती हैं उस शीट पे कि क्विकली रेफर किया जा सकता है कि कोई पर्टिकुलर स्पीशीज कहाँ बिलोंग करती है. क्लियर हुआ ये टॉपिक? अभी नेक्स्ट टॉपिक आएगा क्या, बोटानिकल गार्डन. These specialized gardens have collections of living plants for reference. So, जो taxonomical aids है botanical garden, botanical gardens क्या होते हैं, ये specialized gardens होते हैं ना जहाँ पर living plants का collection होता है reference के लिए. Plant species in these gardens are grown for identification purpose and each plant is labeled indicating its botanical scientific name and its family. So, जो botanical gardens होते हैं ना वहाँ पर क्या किया जाता है, different species जो होती हैं plant की उनके plants जो है उनको ग्रो किया जाता है. एंड ये ग्रो करने का पर्पस क्या होता है मेन, बिकॉज टेक्सोनॉमिकल एड्स है ठीक है बट हर एक का एक पर्पस है. जैसे हर्बेरियम का पर्पस क्या हो गया कि जो स्पीशीज है प्लांट की उनको क्लियर आइडेंटिफाई करना. एंड कैसे आइडेंटिफाई होगा कि प्लांट के जो ड्राइड पार्ट्स है किसी ने उसको फाइंड आउट किया एंड उसको ड्राई करके एक शीट पर लगा दिया जहां पर उस प्लांट से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स है लाइक द स्पीशीज, जीनस नेम, फैमिली, ऑर्डर, क्लास एंड अबाउट द कलेक्टर्स नेम, तो ये सारी चीजें जो है उस शीट पर आ जाती हैं. तो ऐसे ही बोटानिकल गार्डन में प्लांट्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए प्लांट्स को ग्रो किया जाता है एंड उनको फिर बोटानिकल नेम और साइंटिफिक नेम विथ फैमिली के साथ लेबल कर दिया जाता है. द फेमस बोटानिकल गार्डन आर एट क्यू इंग्लैंड, इंडियन बोटानिकल गार्डन हावड़ा इंडिया एंड एट नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ. सो जो सबसे ज्यादा फेमस बोटानिकल गार्डन है वो एक तो है इंग्लैंड में एंड देन उसके बाद इंडिया में कोलकाता एंड लखनऊ में भी इंडियन बोटानिकल गार्डन है. एंड इवन जो कोलकाता में बोटानिकल गार्डन है ना वो नेम क्या है, इंडियन बोटानिकल गार्डन जो कि कॉमनली है IGB. एंड जो लार्जेस्ट ट्रॉपिकल बोटानिकल गार्डन एशिया में है वो है तिरुवनंतपुरम केरला में. क्लियर है? सो यहाँ से ये क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार कि जो लार्जेस्ट बोटानिकल गार्डन एशिया में है वो कहाँ है. सो आंसर विल बी तिरुवनंतपुरम केरला. एंड उसके अलावा यहाँ पर ट्रॉपिकल वर्ड है, सो ट्रॉपिकल, डेसीडियस, इस टाइप से अगर वर्ड्स आते हैं तो वहां पर भी आंसर जो है वो चेंज हो जाएंगे, सिंपल सा है. एंड जो ओवरऑल वर्ल्ड में लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन है वो क्यू इंग्लैंड का है, क्लियर है ना. बट ट्रॉपिकल बोटेनिकल गार्डन एशिया का आता है तो आंसर होगा केरला तिरुवनंतपुरम. बट अगर नॉर्मल आता है सो ये जो इंग्लैंड में बोटेनिकल गार्डन है उसका नेम क्या है, रॉयल बोटेनिकल गार्डन. क्लियर है? सो
थर्ड एड हब उसके बाद है म्यूजियम। म्यूजियम में हम देखते हैं कि क्या होता है। म्यूजियम के बारे में आपने सबने सुना होगा, म्यूजियम आप काफी बार गए होंगे। सो म्यूजियम एक ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं ना जहां पर आर्टिस्टिक और एजुकेशनल प्लांट्स एंड एनिमल्स को प्रिजर्व किया जाता है, स्टोर करते हैं एंड देन उसके बाद उसको पब्लिक एग्जीबिशन के लिए लगा दिया जाता है। बायोलॉजिकल म्यूजियम्स आर जनरली सेट अप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सच एज स्कूल्स एंड कॉलेजेस। तो इनको जनरली कहां पर सेटअप किया जाता है, स्कूल्स में या फिर कॉलेजेस में। Museums have collections of preserved plants and animal specimens for study and reference. And यहाँ पर भी क्या होता है, पर्पस क्या हो गया म्यूजियम बनाने का, कि प्लांट एंड एनिमल की प्रिजर्व स्पीशीज को कलेक्ट करते हैं किस चीज के लिए, स्टडी करने के लिए एंड रिफरेंस के लिए। स्पेसिमेंस आर प्रिजर्व इन द कंटेनर्स और जार्स इन प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन। एंड जो स्पेसिमेंस होते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स के, उनको प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन जो कि जनरली फॉर्मेलिन होता है, उसमें क्या करते हैं, लॉन्ग टाइम तक के लिए प्रिजर्व करने के लिए रखते हैं। प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंस में ऑल्सो भी प्रिजर्व एज ड्राई स्पेसिमेंस। एंड काफी सारे जो प्लांट एंड एनिमल के स्पेसिमेंस होते हैं ना, उनको ड्राई करके भी प्रिजर्व किया जाता है एंड शोकेस के लिए रख देते हैं। इंसेक्ट्स आर प्रिजर्व इन इंसेक्ट बॉक्सेस आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग। सो इंसेक्ट्स का जो एग्जीबिशन है या फिर म्यूजियम में कैसे रखते हैं, उनको कलेक्ट करते हैं प्रिजर्व करने के लिए, पहले उसको किल करते हैं एंड देन पिनिंग की प्रोसेस के बाद उसको प्रिजर्व करके रख देते हैं। लार्जर एनिमल like birds and mammals are usually stuffed and preserved, and जो larger animals होते हैं ना, उनको stuff करके फिर preserve किया जाता है। जैसे कि outer skin जो है, उसमें normal कोई भी material अंदर stuff कर देते हैं and then फिर preserve करते हैं, या फिर कुछ solutions होते हैं जो जो as a preservative add किए जाते हैं। Museums often have collections of skeleton of animals too, and museums में क्या होते हैं, animals के skeletons भी काफी बार देखने को मिलेंगे आपको। एंड जो कॉमन म्यूजियम्स हैं, तो इंडिया में क्या है, कोलकाता में एक इंडियन म्यूजियम नेम से भी है जो कि लार्जेस्ट म्यूजियम ऑफ इंडिया है, जहां पर आपको ना ये सारी चीजें देखने मिलेंगी, स्टार्टिंग फ्रॉम द प्लांट्स, स्पाइसेस, एनिमल्स में भी इंसेक्ट हो गया एंड देन उसके बाद जो ह्यूमन स्केलेटन और एनिमल स्केलेटन है, सारा कुछ ही वहां पर देखने को मिलता है। देन फोर्थ जो टैक्सोनॉमिकल एड है उसमें आते हैं जूलॉजिकल पार्क। These are the places where wild animals are kept in protected environments under human care and which enables us to learn about their food habits and behavior. Zoological park में क्या किया जाता है? अगर आपको ये लग रहा है कि जूलॉजिकल पार्क क्या होता है ना, तो सबसे कॉमन वर्ड इनका क्या है, जू। सो प्लेस ऑफ रिक्रिएशन भी है ये। तो यहाँ पर क्या करते हैं, एनिमल्स एंड प्लांट्स को प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखते हैं एंड मेनली एनिमल्स को, जो वाइल्ड एनिमल हैं उनको प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखते हैं एंड वहां पर उन्हें ह्यूमन केयर मिलती है। बट काफी बार क्या होता है ना कि वह एक्सप्लॉइट भी हो जाते हैं, बिकॉज आपने देखा होगा काफी सारे एनिमल्स जू में उतने हेल्दी नहीं दिखते हैं, बिकॉज वो अपने नेचुरल हैबिटेट में नहीं है एंड सबसे ज्यादा हेल्दी पर रहेंगे नेचुरल हैबिटेट में। सो जू में आके उनका नेचुरल हैबिटेट चला जाता है, दैट इज व्हाई वहां पर वो इतने ज्यादा हेल्दी हमें कई बार नहीं देखने को मिलते। सो मेन पर्पस क्या है जू का, जहां पर वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में एंड विद ह्यूमन केयर रखते हैं, जिससे कि एनिमल्स की जो फूड हैबिट्स हैं या फिर एनिमल्स की जो बिहेवियर है उसके बारे में भी समझने को मिलता है। ऑल एनिमल्स इन अ जू आर प्रोवाइडेड एज फार एज पॉसिबल द कंडीशन सिमिलर टू देयर नेचुरल हैबिटेट्स। अब जू में देखो, एक्चुअल नेचुरल हैबिटेट फिर से डेवलप करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, बट स्टिल जितना ज़्यादा पॉसिबल होता है ना, उतना ज़्यादा नेचुरल हैबिटेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। दैट मीन्स कि जो टेम्परेचर, सराउंडिंग में प्लांट्स, वाटर, ये सारी जो चीज़ें हैं, फूड जो भी रिक्वायर्ड होता है, सो जितना पॉसिबल होता है सारी जो नेचुरल हैबिटेट्स की कंडीशन है वो प्रोवाइड की जाती हैं। चिल्ड्रंस लव विजिटिंग दीज पार्क कॉमनली कॉल्ड जू। तो चिल्ड्रंस क्या, उनको जू में जाना बहुत ही अच्छा लगता है, बिकॉज वहाँ पर डिफरेंट टाइप के एनिमल मिलते हैं एंड वो भी प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में होते हैं, कि मतलब आप एनिमल के पास जा सकते हो, बिल्कुल नियर बाय से उनको देख सकते हो, ठीक है ना। सो अगर हम जू के एग्जाम्पल की बात करें, तो साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड का लार्जेस्ट जू है एंड इंडिया का जो लार्जेस्ट जू है वो है कोलकाता में। सुबह आप देखोगे कोलकाता में बोटानिकल गार्डन भी है एंड देन उसके बाद क्या है, म्यूजियम भी है एंड देन जूलॉजिकल पार्क भी है। एंड उसके अलावा इंडिया में और भी काफ़ी सारे फेमस जूलॉजिकल पार्क्स हैं जहाँ पर आप विजिट जाके कर सकते हो। एंड यहाँ पर फिगर 1.3 में जूलॉजिकल पार्क का पिक्चर भी दिया हुआ है, कि ये देखो
ऐसे आपको एनिमल्स वहाँ पर देखने मिल जाते हैं फ्रीली घूमते हुए बट स्टिल इन अ प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट। एंड देन उसके बाद जो नेक्स्ट टेक्सोनॉमिकल एड है वो है की। अब की क्या होते हैं? की एक ऐसा टूल है जिससे कि जो हर एक स्पीशीज होती है ना किसी भी ऑर्गेनिज्म के ग्रुप की, उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे? की इज अनदर टैक्सोनॉमिकल एड यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये कहाँ पर यूज होती है? प्लांट्स एंड एनिमल्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए। कैसे? बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। जो प्लांट्स एंड एनिमल्स में डिसिमिलैरिटीज या फिर जो सिमिलैरिटीज हैं उसके बेसिस पर। द की आर बेस्ड ऑन द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन अ पेयर कॉल्ड कपलेट। सो की क्या होते हैं? जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं ना, एक सिंपली कपलेट के फॉर्म में होते हैं। इट रिप्रेजेंट्स अ चॉइस मेड बिटवीन टू ऑपोजिट ऑप्शंस। एंड यहाँ पर क्या देखा जाता है ना कि जो ऑपोजिट ऑप्शंस हैं उनके बीच में कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो हैं उसके बीच में चॉइस बनाना होता है। दिस रिजल्ट्स इन एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन एंड रिजेक्शन ऑफ द अदर। सो अब अगर आपके पास दो ऑप्शंस हैं उनमें से आपको सिर्फ एक चूज करना है तो क्या होगा? एक एक्सेप्ट हो जाएगा एंड दूसरा क्या होगा? रिजेक्ट होगा। ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड अ लीड। एंड की में हर एक स्टेटमेंट है उसको क्या बोलते हैं? लीड बोलते हैं। सेपरेट टेक्सोनॉमिक कीज आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टेक्सोनॉमिक कैटेगरी सच एज फैमिली जीनस एंड स्पीशीज फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस। सो जैसे आपके सामने कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो उसके लिए दो स्पीशीज, उसका स्पीशीज नेम अगर आपको नहीं भी पता है तो हम जीनस देखेंगे। सो अब जीनस नेम जब रखना है, आपके पास दो जीनस के नेम है, तो वो ऑर्गेनिज्म आप ये देखोगे कि कौन से जीनस के कैरेक्टर्स को ज्यादा फॉलो कर रहा है। सो आपने एक एक्सेप्ट कर लिया एंड दूसरा क्या कर दिया? ड्रॉप कर लिया। जहां ज्यादा सिमिलैरिटी दिख रही थी वहां पर मैच कर दिया उस ऑर्गेनिज्म को उस जीनस में, एंड जहां पर डिसिमिलैरिटीज थी उसको क्या कर दिया? बॉयकॉट कर दिया। देन उसके बाद आप जीनस के बाद और हायर कैटेगरी पे जाओगे, फैमिली पे जाओगे, तो वहां पर भी फैमिली के कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे हम एंड देन उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स को मैच करेंगे। तो जहां पर भी मैच कर देंगे उस फैमिली में जाके हम उस ऑर्गेनिज्म को रख देंगे। सो इस टाइप से यहाँ पर क्या लेते हैं? दो कीज होती हैं एंड हर एक स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं? लेड बोलते हैं। कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर। एंड कीज जो होती हैं वो कैसे नेचर की होती हैं? एनालिटिकल नेचर की होती हैं। इसके अलावा ये भी देखा जाता है कि मतलब जो कीज है ना उनका प्रिपरेशन कौन करता है? टेक्सोनॉमिस्ट करते हैं एंड वो हेल्प करते हैं फिर बायोलॉजिस्ट को किसी भी स्पीशीज को आइडेंटिफाई करने में। एंड टेक्सोनॉमिक कीज जो है वो किस पर बेस्ड है? कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पर बेस्ड है, इसीलिए वो हमेशा ही कपलेट के फॉर्म में होती हैं। अब कीज जो होती है ना वो जनरली दो टाइप की होती हैं। एक होती है क्या? इंटेंडेड की एंड सेकेंड वन होती है ब्रैकेटेड की। सो इंटेंडेड एंड ब्रैकेटेड की में क्या डिफरेंस हो जाता है ना कि जो इंटेंडेड है अगर कोई भी की क्या प्रोवाइड कर रही है? सीक्वेंस ऑफ चॉइस प्रोवाइड कर रही है दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट्स में जो भी स्पीशीज के कैरेक्टर्स हैं उनसे रिलेटेड दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट है एंड उनमें से आपको चॉइस बनाना है। सो वो हो जाएगा क्या? इंटेंडेड की। एंड इस की का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे हर एक स्टेटमेंट को बोल देते हैं लेट, जो हमने लास्ट पैराग्राफ में देखा। एंड जो ब्रैकेटेड की है ना उनमें क्या होता है कि अगर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का पेयर जो है वो रिपीट नहीं हो रहे हैं सब डिवाइडिंग कैरेक्टर्स की वजह से एंड हर एक जो कैरेक्टर है वो एक नंबर से डिनोट हो रहा है एक ब्रैकेट में, सो वो हो जाता है क्या? ब्रैकेटेड की। क्लियर हुआ? फ्लोरल फ्लोरा मैनुअल्स मोनोग्राफ्स एंड कैटलॉग्स आर सम अदर मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शंस। एंड जो टेक्सोनॉमिकल एड्स है ना कुछ और एक्स्ट्रा टेक्सोनॉमिकल एड्स की अगर हम बात करें सो ये फ्लोरा मैनुअल्स मोनोग्राफ्स एंड कैटलॉग्स जो हैं ये भी टेक्सोनॉमिकल एड्स के ही एग्जाम्पल हैं। दे ऑल्सो हेल्प इन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड ये भी क्या है? आइडेंटिफिकेशन पर्पज के लिए यूज होते हैं। Flora contains the actual account of habitat and distribution of plant of a given area. So, जो flora है उसमें क्या होता है? किसी भी habitat या फिर जो plant का जहाँ पर distribution है ना किसी given area में उसके बारे में actual account जो होता है, that means इसके लिए एग्जाम्पल में हम देखें ना तो सबसे पहले जो फ्लोरा ऑफ इंडिया था वो हुकर एक जो बायोलॉजिस्ट एंड टेक्सोनॉमिस्ट थे उन्होंने रिप्रेजेंट किया था, उन्होंने कंपाइल किया था सिंपली। सो हुकर फर्स्ट कंप्लीट फ्लोरा ऑफ इंडिया, तो इंडिया का जो फर्स्ट फ्लोरा जहां पर उन्होंने जो प्लांट्स का डिस्ट्रीब्यूशन था वो कंपाइल करके रिप्रेजेंट किया। दीज प्रोवाइड द इंडेक्स ऑफ प्लांट स्पीशीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। तो ये जो फ्लोरा है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? किसी भी प्लांट स्पीशीज का पर्टिकुलर एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। मैनुअल्स आर यूज्ड इन प्रोवाइडिंग
इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीशीज फाउंड इन एन एरिया. एंड जो मैनुअल्स होते हैं वो किस लिए यूजफुल होते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन. एंड वो इंफॉर्मेशन क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन पर्पज के लिए. जो किसी भी स्पीशीज के नेम्स होते हैं ना, वो किस एरिया में प्रेजेंट हैं, उसका आइडेंटिफिकेशन करने एंड उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए मैनुअल्स होते हैं सिंपली. एंड देन उसके बाद क्या बचा, मोनोग्राफ्स. तो मोनोग्राफ्स कंटेन इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी वन टैक्सॉन. तो मोनोग्राफ में क्या होती है, एक हैंडबुक है जो कि अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है उसमें सिर्फ एक टैक्सॉन के बारे में होती है. दैट मीन्स कि या तो फैमिली या फिर जीनस. तो सिंपली मोनोग्राफ्स तो क्या होगा, एक हैंडबुक है. एंड मैनुअल्स क्या होते हैं, ये भी जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं किसी भी स्पीशीज के नेम, जो भी एक एरिया में है उसके नेम्स के बारे में. एंड उससे ही ये करेक्ट आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करते हैं. एंड देयर इज वन मोर that is catalog. तो ये क्या होती है, a list of publications होते हैं. जो publications है क्या करा उन्होंने, book publish की, या फिर periodicals होते हैं या फिर dictionary, वो सब publish करते हैं. एंड ये सारी जो चीज़ें हैं पब्लिकेशंस, वो क्या प्रोवाइड करते हैं, टैक्सोनॉमिक स्टडीज के लिए फर्दर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. क्लियर हुआ? सो यहाँ पर ये डिफरेंट टाइप के टैक्सोनॉमिकल एड्स जो है वो हमने पढ़े. सो ये चैप्टर की रीडिंग तो यहाँ पर एंड हो गई है. अब आप जब समरी पढ़ोगे ना, तो आपको एक ब्रीफ इस चैप्टर के बारे में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा. बट हम इस चैप्टर से रिलेटेड जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं. सो लेट्स हियर प्रॉपरली. फास्ट ट्रैक रिविजन में हम देखते हैं कि क्या देखा हमने, कि कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग कब आप बोलोगे, क्योंकि यहाँ पर दो क्वेश्चन आते हैं कि लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है या फिर लिविंग होने का मोटो क्या है. सो लिविंग क्यों है, दैट इज फिलोसॉफिकल वन. एंड लिविंग क्या है, दैट इज वी नीड टू आंसर. सो वॉट इज लिविंग, अभी कोई भी ऑर्गेनिज्म में अगर मेटाबॉलिज्म है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, देन ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट, ये सारी प्रोसेस अगर वो शो कर रहा है, दैट मीन्स द ऑर्गेनिज्म इज लिविंग. अब बाकी जो हमने ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, ये सारी चीजें हमने आज चैप्टर में पढ़ी कि ग्रोथ क्या होती है, कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी काफी बार एक्यूमुलेशन की वजह से ग्रोथ शो करते हैं. दैट इज वाई जो ग्रोथ है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का अल्टीमेट डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं होता है. एंड सेम होता है रिप्रोडक्शन के साथ, बिकॉज ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, बट स्टिल देर आर सम लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट आर अनएबल टू रिप्रोड्यूस. बट उसके बाद जो आता है मेटाबॉलिज्म या फिर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक होता है. देन वहां पर हमने देखा फिर डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड. तो डाइवर्सिटी क्यों है लिविंग वर्ल्ड्स में, क्योंकि बहुत सारे मिलियंस, बहुत सारे मतलब कितना देखा था हमने, मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स इस अर्थ पे प्रेजेंट है. सो उनमें बहुत सारी वैरायटी है, दैट इज वाई ये डाइवर्सिटी है. सो डाइवर्सिटी को डील करने के लिए आता है क्या, नॉमेनक्लेचर. नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन में क्या किया जाता है, एंड एक और वर्ड हमने देखा था चैप्टर में सिस्टमैटिक्स, वो हम पहले देखते हैं. तो सिस्टमैटिक क्या डील करता है, किसके साथ, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन एंड जो ऑर्गेनिज्म की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, इन सारे टॉपिक्स के साथ डील कौन करता है, सिस्टमैटिक्स. एंड सिस्टमैटिक्स के लिए एक बुक भी आई थी, सिस्टमा नेचर. सो ये जो सिस्टमैटिक है इसमें क्या आया, आइडेंटिफिकेशन है. तो आइडेंटिफिकेशन क्यों किया जा रहा है, ये डिटरमाइन करने के लिए कि कोई भी ऑर्गेनिज्म या फिर उसका जो क्लासिफिकेशन हो रहा है वो एग्जैक्ट प्लेस या पोजिशन जो ऑर्गेनिज्म की, ये आइडेंटिफाई किया जा सके. देन क्लासिफिकेशन होता है, आइडेंटिफिकेशन हो गया, उसके बाद उसको क्लासिफाई करेंगे, कैटेगराइज करेंगे. तो ये सिंपली क्या करते हैं, सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज के बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स को अरेंज कर देते हैं डिफरेंट सेट्स ऑफ ग्रुप में. देन उसके बाद आता है, क्लासिफिकेशन भी हो गया, तो फिर आता है क्या, नॉमेनक्लेचर. नॉमेनक्लेचर किससे डील करता है, जो साइंटिफिक नेम होते हैं. साइंटिफिक नेम रखने का रीजन हमने इस चैप्टर में बहुत क्लियरली देखा था, बिकॉज अगर एक लोकल नेम है तो वो अलग अलग जगह पे डिफरेंट नेम होगा. बट साइंटिफिक नेम होने से क्या हो जाएगा, फॉर वन प्लांट स्पीशीज और वन एनिमल स्पीशीज, तो कोई भी एक स्पीशीज के लिए क्या हो गया, सिर्फ एक ही कॉमन नेम, दैट इज साइंटिफिक नेम रहेगा, जिससे उस ऑर्गेनिज्म के बारे में पता लगाना ईजी हो जाएगा. तो दैट इज अंडर नॉमेनक्लेचर. नॉमेनक्लेचर में हमने इस चैप्टर में देखा क्या, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, जो कि किसने दिया था, कैरोलस लीनियस ने. एंड वही है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी. सो कैरोलस लीनियस ने ये जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया है, इसमें क्या होता है, जो नेम है उसमें दो कॉम्पोनेंट्स होते हैं, जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट. तो ये जो दो कॉम्पोनेंट्स हैं, इस फॉर्म में किसी भी साइंटिफिक नेम को रिप्रेजेंट किया जाता है. एंड जितना भी ये सीक्वेंस ऑफ अरेंजमेंट्स हो रहे हैं ना टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की, उनको एक प्रॉपर ऑर्डर में लगाने के लिए, वो होती है क्या, टैक्सोनॉमिक हायरार्की.
एंड ये जो टेक्सोनॉमिकल हायरार्ची है वो हर एक लेवल पे क्या कहते हैं उसको टेक्सॉन बोलते हैं. सो जो टेक्सोनॉमिक हायरार्ची है वो सिंपली क्या हो गया, एक सीक्वेंस है टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज का इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ स्पीशीज. तो जितनी कम स्पीशीज हैं तो उस अकॉर्डिंगली डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं. एंड ये जो टेक्सोनॉमिक हायरार्ची है वो हमने कैसे देखा था, यहाँ पर एक फिगर के फॉर्म में भी गिवन था, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज. एंड फाइलम एंड डिवीजन क्यों होता है, प्लांट के केस में होगा डिवीजन एंड एनिमल के केस में क्या होगा फाइलम. देन उसके बाद हमने यहाँ पर इस चैप्टर में टेक्सोनॉमिकल एड्स देखे हैं, बट इसके पहले जो ये किंगडम डिफरेंट टैक्सॉन्स हैं यहाँ पर हमने क्या देखा कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर आपको क्लासीफाई करना है सो कैसे हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर डिफरेंट कैटेगरीज और डिफरेंट टैक्सॉन्स जो हैं दैट इज स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर इसमें करते हैं. एंड यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड आ जाता है कि जितने ज्यादा डिफरेंसेस हैं या फिर जितने ज्यादा कॉमन कैरेक्टर्स हैं वो कब होंगे हायर एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम. सो जो नंबर होते हैं ना कॉमन कैरेक्टर्स का वो डिक्रीज होता जाता है. तो सबसे ज्यादा कैरेक्टर्स कहाँ पर कॉमन होंगे स्पीशीज में, एंड जो लोएस्ट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कॉमन होंगे कहाँ पर किंगडम में. सो ये जो है इस पर्टिकुलर टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं. देन उसके बाद जो है टेक्सोनॉमिकल एड्स, तो टेक्सोनॉमिकल एड्स में सबसे कॉमन क्या क्या है, हर्बेरियम, म्यूजियम, बॉटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क एंड कीज. सो हर्बेरियम में क्या किया, प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं उसको ड्राई करके प्रेस करके एक शीट पर स्टोर करते हैं एंड उन शीट्स को क्या है रैक में अरेंज कर दिया जाता है. एंड शीट्स पे क्या क्या इंफॉर्मेशन ऐड होती है हर्बेरियम के केस में, सो वहां पर प्लांट से रिलेटेड जितना भी कॉमन इंफॉर्मेशन है लाइक द name of plant, its genus, a species, family, order, class, and then उसके अलावा उस plant के dried part को किसने collect किया है, so उसका name भी and date of collection and side by side जो place of collection of the plant है वो भी add होता है. उसके बाद आता है क्या, botanical gardens. तो यहाँ पर living plants को, अभी question यहाँ पर ये आ सकता है कि herbarium and botanical garden में difference क्या है, क्योंकि botanical garden में भी plants को ये store कर रहे हैं and herbarium में भी. So botanical garden में simply किसको store कर रहे हैं, living plants को, and हर्बेरियम में क्या होता है ड्राइड पार्ट्स ऑफ प्लांट को स्टोर किया जाता है. उसके बाद आता है म्यूजियम. सो म्यूजियम में भी क्या करते हैं, प्लांट के प्रिजर्व्ड एंड एनिमल स्पीशीज को कलेक्ट करते हैं. सो म्यूजियम में भी प्लांट को कलेक्ट कर रहे हैं, बट यहाँ पर प्लांट को जो फिजिकल पार्ट है उनको किसी सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करके और किसी केमिकल के साथ ट्रीट करके फिर उस प्लांट को रखते हैं. देन आता है जूलॉजिकल पार्क. तो जूलॉजिकल पार्क जहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स जो प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में ह्यूमन केयर में रहते हैं दैट आर कॉल्ड एज जूलॉजिकल पार्क. एंड जो लास्ट एड है कि वो क्या होता है, प्लांट एंड एनिमल की आइडेंटिफिकेशन किसके बेसिस पर होता है, सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज के बेसिस पर. इसके अलावा कुछ और भी हमने देखे थे, फ्लोरा, मोनोग्राफ्स, मैनुअल्स, कैटलॉग. सो ये भी क्या है, सारे टेक्सोनॉमिकल एड्स हैं जो कि डील करते हैं किससे, प्लांट के आइडेंटिफिकेशन से और एनिमल के आइडेंटिफिकेशन से. अगर हम एक सिंपल टर्म में बोले तो टेक्सोनॉमिकल एड कहाँ पर काम में आते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज करने में या फिर उसको प्रॉपर प्लेस पर रखने में काम में आते हैं. क्लियर हुआ, नाउ मूविंग ऑन टू द एक्सरसाइज. क्लियर है, सो यहाँ पर अब हम जो हमने स्टार्टिंग में बोला था कि जो हम एक्सरसाइज है उसको भी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर्स को डिस्कस करेंगे. सो हम यहाँ पर पहले आंसर्स को डिस्कस करते हैं, इसके अलावा इसके बाद में आपको बताऊंगी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो इस चैप्टर से रिलेटेड है. क्योंकि क्या है ना, अब देखो चैप्टर इतना बड़ा है बट क्वेश्चन आंसर ज्यादा यहाँ पर गिवन नहीं है. एंड काफी बार क्या होता है, हम चैप्टर तो रीड कर लेते हैं बट क्वेश्चंस नहीं समझ आता ना कि क्या क्वेश्चन आ सकता है. सो उसके बारे में आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. एक्सरसाइज के क्वेश्चन के बाद मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी बताने वाली हूँ. सो यहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं पहले, व्हाई आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड. लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई क्यों किया है, बिकॉज क्या है ना, अर्थ पे मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है एंड इवन हम ही जो ऑर्गेनिजम्स को जानते हैं एंड प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं उनको लोकल नेम से जानते हैं. सो ये जो लोकल नेम है ना, ये प्लेसेस टू प्लेसेस वेरी करेंगे. तो कंट्रीज में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि अगर आप देखो आपके लोकेशन में किसी ऑर्गेनिज्म, प्लांट और एनिमल को किसी डिफरेंट नेम से जानते हैं एंड अगर लोकेशन चेंज होगी तो उस प्लांट या फिर एनिमल जो ऑर्गेनिज्म है उसका नेम कोई और भी होता है. सो दैट इज वाई ये जो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए ये सारा जो अगर डिफरेंट डिफरेंट नेम्स होंगे उससे क्या होगा, किसी भी स्पीशीज को आइडेंटिफाई करने में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा. तो स्टैंडर्डाइज एक नेम किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए आता है एंड
यहाँ पर जो मेन क्वेश्चन है कि ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई क्यों कर रहे हैं. सो क्लासिफाई करने का भी रीजन क्या है कि किसी भी आप एक ऑर्गेनिज्म को अगर स्टडी करना है, एक्यूमुलेटेड होंगे, सो उसको फाइंड आउट करना, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. बट अगर हम उनको डिफरेंट डिफरेंट सेट्स ऑफ ग्रुप में क्लासिफाई कर देते हैं, सो क्या होगा ना, किसी भी एक ऑर्गेनिज्म की जो स्टडी होती है स्टैंडर्डाइज नेम के साथ बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है. एंड इसीलिए क्या करना पड़ता है, ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई. अगर हमें नेमिंग करना है ना और ऑर्गेनिज्म क्लासिफाई नहीं होंगे, सो वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा. क्यों? बिकॉज ये जितने भी हमने टैक्सास पढ़े हैं ना, उन सब में प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है. एंड आइडेंटिफिकेशन कब प्रॉपर होगा? जब ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड होंगे. क्लियर हुआ ये आंसर्स? सिंपल है. देन सेकेंड है, वाई आर द क्लासिफिकेशन सिस्टम चेंजिंग एवरी नाउ एंड देन. सो बहुत सारे क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो आते हैं और चले जाते हैं. ऐसा क्यों हो रहा है? तो जो साइंटिफिक स्टडी है ना वो एवर प्रोग्रेसिव है. एंड जो न्यू स्पीशीज और ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऑफन ऐड होते रहते हैं. आप देखोगे डिस्कवरी होगी, रिसर्च होगी, सो कोई नया ऑर्गेनिज्म हर दिन आता रहता है. सो जो अर्ली सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था ना, वो सिर्फ क्या देखते थे, जो हैबिट एंड हैबिटेट है ऑर्गेनिज्म की उसको कंसिडर करते थे. बट ग्रेजुअली जैसे जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है वो क्या बनती गई, क्लासिफिकेशन के लिए टूल बनती गई. एंड उसके बाद जो मॉर्फोलॉजी के साथ साथ एम्ब्रियोलॉजी है उसमें वो भी कंसिडर होने लगी. एंड एम्ब्रियोलॉजी के बाद क्या आया, फाइलोजेनेटिक रिलेशन, देन साइटोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनिज्म. एंड मॉडर्न डेज में जो बायोकेमिकल टेक्निक्स हैं उनका यूज किया जाता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूक्लिक एसिड कॉम्पोनेंट्स. सो न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं, DNA, RNA एंड DNA RNA. सो ये हो जाते हैं क्या, न्यूक्लिक एसिड. तो न्यूक्लिक एसिड के बेसिस पर भी एट प्रेजेंट क्लासिफिकेशन जो है वो होने लगा है. अभी देखो धीरे धीरे जैसे इवोल्यूशन हुआ, सो क्लासिफिकेशन का पैटर्न जो है वो चेंज हुआ. दैट इज वाई ये क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो कभी भी चेंज होते रहे. थर्ड वन इज, वॉट डिफरेंट क्राइटेरिया वुड यू चूज टू क्लासिफाई पीपल दैट यू मीट ऑफन. सो आप किसी भी अगर पर्सन से मिलते हो तो उनको क्लासिफाई करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया आप देखोगे. सो आप कुछ फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स हैं जिनको आप कंसिडर जनरली करोगे. दैट मीन्स कि फर्स्ट द जेंडर, कि अब वो मेल है या फिर फीमेल है. देन सबसे कॉमन अपीयरेंस अगर हम ध्यान रखते तो इट्स ऑफ स्किन कलर. स्किन कलर कैसा है, देन एजुकेशन, प्रोफेशन, हॉबीज, नेचर, इस ये जो सारे एट्रीब्यूट्स हैं इनके बेसिस पर आप किसी भी पर्सन को क्लासिफाई कर सकते हो. कि अगर सिमिलर जेंडर है तो एक ग्रुप रख दिया, फिर उस सिमिलर जेंडर में भी अगर स्किन कलर सिमिलर है सो वो एक ग्रुप में आ गए. एंड देन फिर एजुकेशन, पोजीशन, प्रोफेशन, हॉबीज एंड नेचर के बेसिस पर भी ऑर्गेनिजम्स को या फिर ह्यूमंस को डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में. क्लियर हो गया ना? सिंपल है आंसर ये तो, कि यहाँ पर सिर्फ हमें क्राइटेरिया, कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर एट्रीब्यूट्स बताने थे. फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम द आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल्स एंड पॉपुलेशन. सो आइडेंटिफिकेशन जो है किसी भी इंडिविजुअल का या फिर जो पॉपुलेशन है उससे हमें क्या देखने को सीखने को मिल रहा है. सो इंडिविजुअल्स को जब आप आइडेंटिफाई करते हो या फिर जो पॉपुलेशन है उसको आइडेंटिफाई कर रहे हो, सो किसके बारे में पता चल रहा है, जेंडर, देन स्किन कलर, नेटिव प्लेस, मदर टंग, फूड हैबिट्स, रिलीजन, कास्ट. बिकॉज आप पर्सन के बारे में अगर इंफॉर्मेशन निकालोगे तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में आप उस इंडिविजुअल के बारे, जिससे आप उस इंडिविजुअल एंड पॉपुलेशन के बारे में पता लगा सकते हो. क्लियर हुआ ये आंसर भी? देन फिफ्थ क्वेश्चन है, गिवन बिलो इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, आइडेंटिफाई द करेक्टली रिटर्न नेम. सो यहाँ पर क्या है, मैंगो का नेम जो होता है साइंटिफिक नेम मैग्निफेरा इंडिका गिवन है. तो ये देखना है आपको कि ये दोनों में से करेक्ट क्या है. अब यहाँ पर भी देखो मैग्निफेरा इंडिका एंड यहाँ पर भी मैग्निफेरा इंडिका है. स्पेलिंग्स मैच करोगे आप सबसे पहले तो स्पेलिंग्स भी दोनों की सेम है, डिफरेंस क्या आ रहा है. तो अगर आप डिफरेंस नहीं क्विकली आइडेंटिफाई कर पाए तो यहाँ पर देखो, फर्स्ट केस में इंडिका का आई कैपिटल है एंड सेकेंड वन में स्मॉल है. सो जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ये जो सेकेंड वन जहाँ पर इंडिका में स्मॉल आए है, बिकॉज जीनस नेम में क्या है, हमेशा लोअर केस या फिर स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट होता है. ठीक हो गया ये आंसर भी. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन अ टैक्सॉन, गिव सम एग्जाम्पल ऑफ टैक्सा एट डिफरेंट हायरार्कियल लेवल्स. सो टैक्सॉन क्या होता है एंड एक एग्जाम्पल बताना है टैक्सॉन का जो डिफरेंट हायरार्कियल लेवल पे है. सो टैक्सॉन सिंपली क्या हो गया, लेवल ऑफ हायरार्की है. एंड जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है ना ऑर्गेनिज्म का, उसमें हायरार्की का लेवल है टैक्सॉन. एंड ये जो हायरार्कियल लेवल्स हैं इनमें क्या क्या आता है, किंगडम, फाइलम,
क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज. तो ये सारे हायरार्चिकल लेवल्स है, जो लेवल्स है. सिंपल सी डेफिनेशन है, इट इज अ लेवल ऑफ हायरार्ची इन सिस्टम ऑफ क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कैन यू आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज. सो यहाँ पर जो सीक्वेंस दिए हैं, सो इनमें से हमें करेक्ट वन फाइंड आउट करना है. करेक्ट वन में क्या हो जाएगा, सबसे फर्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं अगर स्पीशीज, स्पीशीज के बाद आता है क्या ऑर्डर, देन फाइलम एंड किंगडम. क्या ये करेक्ट है? ये ऑर्डर तो करेक्ट है, बीच में मिसिंग है, बट स्टिल इट इज अ करेक्ट आंसर. देन सेकेंड वन इज जीनस एंड स्पीशीज. तो ये तो यहाँ पर ही गलत हो गया. सबसे जो लोएस्ट आता है एट, सबसे लोएस्ट टैक्सॉन है वो क्या है, स्पीशीज है. सो सेकेंड वन इज इनकरेक्ट. एंड जो थर्ड वन है, स्पीशीज, जीनस, ऑर्डर एंड फाइलम, इज इट करेक्ट? यस, राइट, क्योंकि यहाँ पर जो सीक्वेंस है वो प्रॉपर यूज किया हुआ है. बीच में ऑप्शंस मिसिंग है, बीच में टेक्सास मिसिंग है, बट ये जो ऑर्डर है वो करेक्ट होगा. क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई टू कलेक्ट ऑल द करेंटली एक्सेप्टेड मीनिंग्स फॉर द वर्ड स्पीशीज. डिस्कस विथ योर टीचर द मीनिंग ऑफ स्पीशीज इन केस ऑफ हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन वन हैंड एंड बैक्टीरिया ऑन द अदर हैंड. सो स्पीशीज का मतलब क्या होता है? तो एक कोई भी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है, या फिर ऑर्गेनिज्म का जो ग्रुप है जिनमें की जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं उनमें सिमिलैरिटीज हैं, उसको बोल देते हैं क्या, स्पीशीज. एंड जो स्पीशीज है ना, वो क्लासिफिकेशन की बेसिक यूनिट होती है. एंड दे आर ऑल्सो डिफाइंड एज इंडिविजुअल्स दैट शेयर द सेम जीन पूल. इनको क्या बोलते हैं, एज ए इंडिविजुअल भी रिप्रेजेंट करते हैं, डिफाइन करते हैं, जो कि सेम जीन पूल शो करते हैं. एंड हायर प्लांट्स और एनिमल्स के केस में जो क्राइटेरिया ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है ना, वो ऑर्गेनिजम्स या स्पीशीज को क्लासिफाई करने के लिए यूज किया जाता है. जैसे बैक्टीरिया में क्या होती है, इंटरब्रीडिंग होती है, एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन जो है उसमें भी यूज नहीं हो सकता है बैक्टीरिया के केस में, बिकॉज यहाँ पर जो जीन पूल है वो किस लिए यूज हो गया, स्पीशीज को क्लासिफाई करने के लिए. दैट इज वाई बैक्टीरिया में जो है वो इंटरब्रीडिंग एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन नहीं यूज होता. क्लियर हुआ ये आंसर? क्योंकि यहाँ पर भी क्या था कि हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स के साइड में एंड बैक्टीरिया के कंपैरिजन में, दोनों का अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं, सो डिफरेंस देखना था कि कैसे जो डिफरेंस है दोनों की स्पीशीज में वो क्यों है. सो क्लियर हो गया ना कि जो हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं उनमें रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन जो है वो क्लासिफिकेशन का एक क्राइटेरिया हो सकता है, बट बैक्टीरिया में ऐसा पॉसिबल नहीं है. Then ninth one is define and understand the following terms. So यहाँ पर जो following terms given है ना, उनकी definition देनी है. So first दिया हुआ है यहाँ पर phylum. Phylum क्या हो गया, taxonomical hierarchy है, and that is below kingdom. और उसके ऊपर काफी सारे क्लासेस और present है. And ये जो taxon है ना, उसमें more than one classes are present and more than one class of organism with similar characters are present. So ये तो हो गई phylum की बात. उसके बाद अगर हम class की बात करते हैं, तो class भी क्या है, taxonomical hierarchy है, but it is higher than order and lower than phylum. So phylum के तो नीचे आता है, but order के पहले आता है. And class में क्या include होता है, जो related है ऑर्गेनिजम्स, रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स है वो इसमें इंक्लूड होते हैं. अब क्लास में डिवाइड करने का एक एग्जाम्पल क्या दे देते हैं कि मैमल्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, तो यहाँ पर ऑर्डर क्या आ जाता है, प्राइमेटा. देन उसके बाद है फैमिली. सो फैमिली क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा होता है जिसमें कि लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज हैं एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीशीज. तो जो फैमिली हो गई वो एक रिलेटेड जेनरा का ग्रुप है जहाँ पर भी सिमिलैरिटीज थोड़ी सी कम होती है. एग्जाम्पल में देखेंगे अगर हम फॉक्स एंड डॉग जो है वो सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं. एंड ये जो ग्रुप है ना एंटाइटिस फ्रॉग एंड डॉग का, उसमें जो ऑर्डर एंड जीनस है वो क्या होंगे, पर डिफरेंट होंगे. एंड ऑर्डर की अगर बात की जाए, तो ऑर्डर क्या हो जाता है, एक टेक्सॉन है जो कि हायर लेवल पर है फैमिली से एंड लोअर लेवल पर है क्लास से. एंड ऑर्डर क्या हो जाता है, एक हायर कैटेगरी है जिसमें कि फैमिलीज का असेंबलेज है. यहाँ पर कैरेक्टर्स की सिमिलैरिटी और ज़्यादा कम हो जाती है. एंड उसके बाद अगर हम जीनस देखें, तो जीनस में रिलेटेड स्पीशीज के ग्रुप हैं जहाँ पर ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं एंड कंपेरिजन जो है वो ईजी हो जाता है. एग्जाम्पल लॉयन एंड टाइगर का देखा था हमने चैप्टर में कि बोथ आर पेंथरा, बट उनकी जो स्पीशीज है वो बस डिफरेंट है. दैट इज वाई दे आर बिलोंग टू सेम genus and even same family. The next question hai 10th, how is
अ की हेल्पफुल इन आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. की जो है वो कैसे एक टेक्सोनॉमिकल एड की तरह वर्क करती है. सो की एक टेक्सोनॉमिकल एड है, ये तो ठीक हो गया. ये किस लिए यूज होता है? प्लांट एंड एनिमल जो कि सिमिलैरिटी या डिसिमिलैरिटी पे बेस्ड है उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होता है. एंड ये रिप्रेजेंट क्या करता है? दो ऑपोजिट कैरेक्टर्स के बीच में जो चॉइस प्रेजेंट है वो रिप्रेजेंट करता है. एंड दिस की इज ऑल्सो हेल्पफुल इन आइडेंटिफाइंग द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स. बिकॉज ये जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं ना वो क्या होते हैं? पेयर होते हैं, जहां पर जो सिलेक्शन हो रहा है ना वन कैरेक्टर का, उससे दूसरे कैरेक्टर्स का रिजेक्शन हो जाता है. जो दो है स्टेटमेंट्स उनमें से एक ही एक्सेप्टेड होगा, दूसरा तो ऑब्वियसली रिजेक्ट हो जाएगा. एंड अगर हम किसी एंटिटी की बात करते हैं और वो उसको रिकॉर्ड नहीं कर रहा ऑलरेडी, तो जो अटेम्प्ट्स बनाए जाते हैं फर्स्ट क्या करते हैं उसमें चेक करते हैं, एंड देन उसके बाद डिस्कवरी जो भी हुई है उसको रिचेक भी करते हैं नेमिंग करने से पहले. एंड इसीलिए जो हर एक एंटिटी है वो क्या होती है? क्लासिफाई हो जाती है. अब अगर वो नोन है तो भी या फिर अननोन है उस कंडीशन में भी, तो की क्या है? काफी ज्यादा हेल्पफुल हो जाते हैं आइडेंटिफिकेशन पर्पज से. देन लास्ट आंसर है यहाँ पर, इलस्ट्रेट द टेक्सोनॉमिकल हायरार्ची विद सुटेबल एग्जाम्पल ऑफ अ प्लांट एंड एनिमल. सो यहाँ पर टेक्सोनॉमिकल हायरार्ची है उसको सुटेबल एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है. तो यहाँ पर हम टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज या हायरार्ची में क्या आ जाएगा? आप यहाँ अगर कॉलम बना के लिखते हो तो फर्स्ट कॉलम आएगा टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज का, जहां पर आप क्या लिखोगे? फाइलम, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज. देन उसके बाद आप डिफरेंट जो वीट की पूरे वीट ह्यूमन या इसके अलावा भी आप कोई और प्लांट या एनिमल की भी पूरी जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज है उनके नेम लिख सकते हो. जैसे किंगडम है तो वीट क्या है? प्लांट है, तो कौन से किंगडम में आ गया? प्लांट किंगडम में. डिवीजन कौन सा हो जाएगा? एंजियोस्पर्म को बिलोंग करता है, मोनोकॉटिलेडन है तो क्लास हो जाएगी मोनोकॉटिलेडन. ऑर्डर आ जाएगा पोएल्स. फैमिली रहेगी क्या? पोएसी. एंड जीनस होगा ट्राइटिकम. एंड स्पीशीज होगी क्या? एस्टिवम. ऐसे ही ह्यूमन का एंड उसके अलावा और भी प्लांट्स एंड एनिमल्स की आप इस टाइप से पूरी टेक्सोनॉमिकल हायरार्ची एंड कैटेगरीज में उनकी नेमिंग कर सकते हो. क्लियर हो गया? सो यहाँ पर इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन आंसर्स थे वो एंड हुए. अब हम इस चैप्टर के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं. सो राइट डाउन द फर्स्ट क्वेश्चन एंड ये जो है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में आएंगे. क्लियर है? सो फर्स्ट वन विल बी डिफाइन मोनोग्राफ. हम यहाँ लास्ट से स्टार्ट करते हैं. डिफाइन मोनोग्राफ. मोनोग्राफ क्या होते हैं? एक टेक्सोनॉमिकल एड है एंड इसमें राइटिंग वर्क होता है ऑफ अ स्पेशलिस्ट ऑन अ सिंगल स्कॉलरली सब्जेक्ट और इट इज एन एक्सपेक्ट ऑफ अ सब्जेक्ट एंड इट इज जनरली रिटर्न बाय अ सिंगल ऑथर. एंड ये क्या है? टेक्सोनॉमिकल एड है. देन इसके बाद यहाँ पर हमने जितने भी टेक्सोनॉमिकल एड पढ़े हैं सो उनकी डेफिनेशन, बिकॉज अगर आप 11th क्लास के पर्सपेक्टिव से देखोगे सो क्वेश्चन आंसर्स आते हैं वहां पर, इनसे रिलेटेड डेफिनेशन आ जाती है. एंड इवन इन नीट इन जो डेफिनेशंस है ना इनसे क्वेश्चंस आ जाते हैं. फॉर एग्जांपल कि मोनोग्राफ से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स होंगे एंड उसमें आपको बताना होगा विच वन इज द करेक्ट और विच वन इज इनकरेक्ट. दैट इज वाई आपको यहाँ पर डेफिनेशन हर एक वर्ड की आना चाहिए. सो क्या हो जाएगा? मोनोग्राफ की डेफिनेशन आएगी. देन उसके बाद क्या है? मैनुअल्स की डेफिनेशन एंड देन फ्लोरल्स. सो ये फ्लोरल्स, मैनुअल्स एंड मोनोग्राफ एंड कैटलॉग, ये फोर डेफिनेशंस हो गई. सो आइदर राइट अ वन क्वेश्चन और सेवरल की डिफाइन द फॉलोइंग मोनोग्राफ्स, मैनुअल्स, फ्लोरल्स एंड देन कैटलॉग्स. उसके बाद आएगा क्या? यहाँ पर हमने कीज के बारे में आंसर क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज में आ गया था. इवन बोटेनिकल गार्डन म्यूजियम, नो राइट वन क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन बोटेनिकल गार्डन एंड हर्बेरियम. हर्बेरियम एंड बोटेनिकल गार्डन में क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है. सो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये हो जाएगा. देन राइट अनदर वन, डिफाइन मेटाबॉलिज्म, क्योंकि हमने जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स देखे हैं उसमें मेटाबॉलिज्म था. क्या है? प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ फूड इनटू एनर्जी बाय सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन. सिंपली जो केमिकल रिएक्शन की सीरीज है वो होती है मेटाबॉलिज्म. देन एक जो आया वर्ड आ रहा था सेल डिवीजन. सो जो माइटोटिक सेल डिवीजन होती है अमीबा में वो क्या रिप्रेजेंट करती है? ग्रोथ या फिर रिप्रोडक्शन. सो माइटोटिक सेल डिवीजन जो है अमीबा में वो रिप्रोडक्शन का फिनोमिनन रिप्रेजेंट करता है. सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट के फॉर्म में लिख लो या आप क्वेश्चन में लिख लो. द माइटोटिक सेल डिवीजन इन अमीबा रिप्रेजेंट ग्रोथ और
reproduction? Question mark. So answer will be reproduction. Then next question will be, name few botanical gardens in India and also name the largest botanical garden in the world. So यहाँ पर इंडिया में जो botanical gardens है, कोलकाता, बैंगलोर, ऊटी, लखनऊ, गुवाहाटी, यहाँ पर इनके name लिखना है आपको. And largest botanical garden कहाँ पर है? London, England में. देन नेक्स्ट वन विल बी, ये जो आपने मैग्निफेरा इंडिका साइंटिफिक नेम मैंगो का देखा है, मैंने आपको चैप्टर में भी बोला था कि आपको और भी जो कॉमन प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज हैं उनके प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन एंड जो नेम है प्रॉपर लिखना है, स्टार्टिंग फ्रॉम द किंगडम एंड एंड कहाँ कवर करना है स्पीशीज पे. देन नेक्स्ट वन विल बी, वॉट इज द लोएस्ट कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन. लोएस्ट कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है? स्पीशीज होता है. देन आएगा, वॉट आर टेक्सोनॉमिक कीज. क्लियर हुआ? टेक्सोनॉमिक कीज के बारे में हमने ऑलरेडी आंसर लिख लिया है. अनदर वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज, हु इज नोन एज फादर ऑफ टेक्सोनॉमी. सो यहाँ पर हमने अंडरलाइन किया हुआ था ना, तो आ गया क्वेश्चन, हु इज नोन एज फादर ऑफ टेक्सोनॉमी. सो कार्ल लीनियस और कैरोलस लीनियस जो हैं वो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी हैं. देन जो 8 लेवल्स ऑफ टेक्सोनॉमीज है ना, डिफरेंट टेक्साज हैं, वो भी आपको एक क्वेश्चन में लिख लेना है. वॉट इज रिप्रोडक्शन, एक क्वेश्चन हो जाएगा. एंड बिकॉज यहाँ पर हम बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं, सो बाय वी फॉरगेट दिस, वॉट इज बायोलॉजी. सबसे फर्स्ट क्वेश्चन तो इस चैप्टर के स्टार्ट होने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि बायोलॉजी होता क्या है. इट इज अ नेचुरल साइंस जो कि कंसर्न है किसके साथ, प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्निंग लाइफ प्रोसेस जो हैं एंड जो लिविंग वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर रहे हैं, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच का जो रिलेशनशिप है, इन सारी चीज़ों की जो स्टडी है वो कहाँ पर आ जाती है? बायोलॉजी में आती है. नेक्स्ट वन विल बी बायोडाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड तो ठीक है, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में वैराइटीज प्रेजेंट हैं वो हो गई बायोडाइवर्सिटी. एक और चीज़ अगर आपको याद हो, अभी न्यूक्लिक एसिड हमारे एक्सरसाइज में क्वेश्चन में आया था, तो न्यूक्लिक एसिड में मैंने आपको बताया डीएनए एंड आरएनए होता है. सो क्वेश्चन इज, व्हाट इज डीएनए? DNA is deoxyribonucleic acid and इसकी बाकी information आपने earlier classes में पढ़ी है, तो इसके बारे में short note आपको लिखना है. Then some more questions are here, so वो भी आप लिखो. State the difference between flora, fauna and vegetation. So ये इस chapter में कहीं ना कहीं ये word आए हैं, that is why we are writing these questions. First इसमें है फ्लोरा, फौना एंड वेजिटेशन क्या होते हैं. तो फ्लोरा का मतलब होता है जो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स हैं किसी एक पर्टिकुलर एरिया में एंड एट पर्टिकुलर टाइम. फौना क्या हो जाएगा? रिफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स फाउंड इन स्पेसिफिक रीजन एट अ पर्टिकुलर टाइम. एंड वेजिटेशन जो होती है ना, वो एक ब्रॉड टर्म यूज होता है प्लांट फॉर्म्स के लिए किसी भी रीजन के, एंड ये किसी पर्टिकुलर टैक्सा या फिर बॉटेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो इसमें नहीं होते हैं. वेजिटेशन में सारा कुछ इंक्लूडेड हो जाता है. देन देयर इज अनदर क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय एंडेमिक एंड एक्सोटिक स्पीशीज. सो एक्सोटिक स्पीशीज में क्या आ जाएंगे? कोई भी स्पीशीज जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की है वो एक प्लेस पर रह रही है अदर देन नेटिव प्लेस, एंड वो कोई एक्सोटिक. एंड एग्जाम्पल के लिए क्या आ जाएगा? कॉर्निया जो क्रेस्पीज है वो नेटिव है अमेजन बेसिन की, बट वो इंडिया में भी इंट्रोड्यूस हुई है, सो वो इंडिया के लिए क्या हो गई? एक्सोटिक. यानी एंडेमिक क्या हो गई? कि कोई भी एक स्पीशीज अगर पर्टिकुलर रीजन में और एरिया में प्रेजेंट है, जैसे कि हो गया राउल्फिया है, इंडिया में ही प्रेजेंट है, दैट इज वाई वो है इंडिया के लिए एंडेमिक. क्लियर हुआ? तो एक्सोटिक एंड एंडेमिक स्पीशीज क्या होती हैं? देन ब्रिंजल एंड पोटैटो बिलोंग्स टू सेम जीनस बट डिफरेंट स्पीशीज. What separate the two species? तो ये ब्रिंजल एंड पोटैटो हमने देखा सेम जीनस को बिलोंग कर रहे थे, बट उनमें स्पीशीज डिफरेंट है. तो क्यों है डिफरेंट? दे कैन नॉट इंटरब्रीड. अगर हम पोटैटो एंड ब्रिंजल को ब्रीड करने के लिए रखेंगे ना, तो उनमें ब्रीडिंग की प्रोसेस शो नहीं होगी. दैट इज वाई दे आर बिलोंग फ्रॉम दे आर बिलोंग टू डिफरेंट स्पीशीज. इसके अलावा उनका जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स है ना, वो भी डिफरेंट है. दैट इज वाई दे ऑल्सो नॉट कंसिडर्ड एज इन सेम स्पीशीज. राइट अनदर क्वेश्चन, अ पर्सन लिविंग इन अ कोमा इज कंसिडर्ड लिविंग और डेड. तो कोई भी पर्सन अगर है वो कोमा में अगर है, तो वो लिविंग होगा या डेड होगा? डेड होगा. ये चैप्टर में हमने डिस्कस किया था इस बारे में, वो क्या हो जाएगा? लिविंग डेड रहेगा. क्लियर है? तो डेड एंड लिविंग में एक और बीच में टर्म आ जाता है क्या? लिविंग डेड. बिकॉज कोई भी अगर पर्सन कोमा में है ना, तो वो अनकॉन्शियस है, एंड अगर अनकॉन्शियस है 6 आवर्स से ज्यादा, तो उसको कंसिडर कर लेते हैं क्या? कोमा में. एंड उसमें वो स्टिमुलाई के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड नहीं करता है, दैट इज वाई वो पर्सन का क्या होता है? ब्रेन डेड है. एंड
इस चैप्टर में जो एब्रीविएशंस आए जैसे ICBN, ICZN, इनके फुल फॉर्म्स आपको पता होना चाहिए. देन उसके अलावा दो और है ICVN, ICVN, ये क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नॉमेनक्लेचर. एंड एक होता है ICNB, ICNB क्या हो जाएगा, द इंस्टीट्यूट फॉर नेचर कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी. सो ठीक है ना, इंस्टीट्यूट फॉर नेचर कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी है. उसके अलावा इस चैप्टर्स में हमने जितने भी बीच में एक्स्ट्रा एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं या फिर काफ़ी सारे ऐसे स्टेटमेंट्स आए, जैसे एक स्टेटमेंट का हमने कोमा में जो पर्सन इज लिविंग और डेड, या फिर ब्रिंजल एंड पोटैटो का लिखा है. इस टाइप से जितने भी अगर और स्टेटमेंट्स आए हैं उनके बारे में भी आपको आंसर्स लिखना है. जहाँ पर भी कभी अगर डाउट लगता है कि इस चैप्टर में मतलब आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है, कि कोई टॉपिक रह जा रहा है, सो वो आप अपने कमेंट सेक्शन में इजीली बता सकते हो. सो उस चैप्टर को प्रॉपरली पढ़ो, बिकॉज NCERT जो है वो बोन है, मतलब बोर्ड्स के लिए भी एंड नीट के लिए भी. सो आपको प्रॉपरली लाइन बाय लाइन पढ़ना है एंड देन हाइलाइटेड पॉइंट्स हैं उनसे रिलेटेड अगर आपको कुछ क्वेश्चंस अगर आ रहा है माइंड में, सो आप कमेंट सेक्शन में रेज करना, प्रॉपरली पढ़ना, ठीक है.